राइट करें स्टार्ट चल वी स्टार्ट जो इधर उधर सब एडजस्टमेंट करने कर लिए yes, पेन फेंकना है एक दूसरे को या कुछ करना है हो गया <laughs> मैं नहीं चाह रहा हूं कि आज पहले दिन में साल के पहले दिन मैं तुम्हें चल रहा yes, तुम भी नहीं चाहोगे ऑब्वियसली mm -hmm. पर मौका मत देना मेरे को हाँ? ठीक है भाई चल ऑल राइट सो वेरी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून टू एवरी वन एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी हैप्पी न्यू ईयर आप सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी शक्ले ऐसे देख रहे हो कि मतलब कुछ हो गया विश करो मेरे को भी यार ऐसा नहीं तो बच्चे बोलते कि बैठा नहीं होगा वो बच्चे मुझसे पूछेंगे ऐसे हाँ हैप्पी न्यू ईयर सबको हाँ अपन सामने आके भी करेंगे अच्छा क्योंकि आज न्यू ईयर है तो आई और क्योंकि आज बच्चे भी कम है अगर चलना चाहोगे तो नहीं चलना चाहोगे तो कोई बात नहीं या फिर अपन यहीं पे कुछ बुलवा लेंगे अगर बुलवाना होगा तो वॉट एवर वी कैन डिसाइड ठीक है ना और, और उसके बाद बहुत सारे फोटो खींच के <laughs> <laughs> नहीं दोनों में से कोई एक करना है ना मैंने पूछा नहीं मैंने बस ये बोला कि यहाँ पर या तो अपन कहीं चलेंगे जैसा होगा अब <laughs> <आ>? <laughs> नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा देखते हैं अच्छा मुझे ये बताइए कि हमने ए एस फाइव स्टार्ट किया था ऑल राइट right. दादा ए एस फाइव शुरू किया था हाँ ए एस फाइव ये ये टेडी बियर लगता है ना <laughs> हाँ, कितना अच्छा सुंदर सुंदर अभी मैंने उसको बोला होता था बहुत अच्छा इसका एक्सप्रेशन इसका कभी कभी देखना बढ़िया मेरे पास मेरा आप छोटा टेडी भी आ चुका है हाँ उसको खेलने के लिए वो पेट पे घूमने के लिए है ना <laughs> हाँ नहीं।, नहीं नहीं तेरे एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं भाई चलो ब्लश कर रहा है ये सही बात चलिए एस फाइव शुरू किया था ओ ओ ओ ओ हो ध्यान हो, 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 से है ठीक है बस एस फाइव शुरू किया था एस फाइव को पहले अपन एक कोई रिवीजन करेंगे और क्विक रिविजन के बाद हम उसको आगे बढ़ेंगे हमने क्या क्या पढ़ा था ए एस फाइव में वहां से शुरू करते हैं शुरू से स्टार्ट करते हैं ए एस फाइव का नाम क्या है नेट लॉसेस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑल राइट सबसे पहले ए एस फाइव का पहला पॉइंट नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड एस फाइव क्या कहता है कि अगर हमें नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करना है किसी भी पीरियड का या लॉस डिटरमाइन करना है किसी भी पीरियड का तो हमें क्या कंसिडर करना चाहिए हमें सारे के सारे इनकम्स और सारे के सारे एक्सपेंसेस को कंसिडर करना पड़ेगा टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और लॉसेस फॉर द पीरियड अनलेस अनलेस एनी अदर एय वॉट रिक्वायर्स अदरवाइज एनी अदर एय रिक्वायर्स अदरवाइज और परमिट अदरवाइज जब तक कोई दूसरा एस कुछ और ट्रीटमेंट नहीं बोलता तब तक सारे इनकम्स और एक्सपेंसिस के डिटर्मिनेशन में लगाए जाएंगे मतलब पीरियड कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ से प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स आई बात में ओके नाउ व्हाट डू मीन एक्टिविटी एनी एक्टिविटी विच इज अंडरटेक पार्ट ऑफ द बिजनेस पार्ट ऑफ द बिजनेस और रिलेटेड टू दिजनेस इंसिडेंटल टू दिजनेस अंडरस्टैंड नॉट ओके ना वॉट टू डू इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डनरी एक्टिविटी आइटम्स ऑफ ऑर्डनरी एक्टिविटीज का क्या करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड नेचर जल्दी बोलो डिपेंडिंग ऑन डिपेंडिंग ऑन साइज एंड नेचर वॉट टू डू डिंग अपॉन साइज एंड अच्छे से आपको स्टेटमेंट बोलना चाहिए अगर नहीं आता तो आप देख के बोलो बट आपको बोलना पड़ेगा वेन द आइटम ऑफ ऑर्डन आइटम फ्रॉम ऑर्डनरी एक्टिविटीज आर ऑफ सच साइज और रेलिवेंट होगा टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी देन ऐसे केस में द नेचर एंड अमाउंट ऑफ सच आइटम शेल बी सेपरेटली डिस्कलोज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अंडरस्टूड और नॉट ओके नाउ सेपरेटली के रिस्पेक्ट में हमें याद आया कि भाई एक्सेप्शनल आइटम भी होता है सेपरेट के लिए होता है कि नहीं अच्छा एक्सेप्शनल आइटम्स के कौन से से uh, सेवन बिना देखे अगर कोशिश करें याद करने की तो कौन कौन से थे राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू एनआरवी और रिवर्सल ऑफ सच राइट डाउन दूसरा प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट और रिवर्सल ऑफ सच प्रोविजन दो हो गए डिस्पोजल ऑफ फिक्स डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स लिटिगेशन सेटलमेंट में अगर कुछ पेमेंट किया लेजिस्लेटिव चेंजेस के कारण कुछ चेंजेस और लास्ट अदर प्रोविजन रिवर्सल अदर ऑफ प्रोविजन अंडरस्टूड और नॉट चलिए ये हो गए आपके एक्सेप्शनल आइटम के एग्जाम्पल्स अंडर स्टूड और आइटम्स क्या होते हैं चार कंडीशन इनकम एंड एक्सपेंस होना चाहिए राइज फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शन होना चाहिए विच इज क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी एंड नॉट एक्सपेक्टेड टू रीअकर फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली मतलब नॉन रिकरिंग होना चाहिए अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड नॉट एल मी ओके हो गया एक्सट्रॉर्डनरी आइटम वॉट टू डू विद एक्सट्रॉर्डनरी आइटम एक्स्ट्रॉनरी आइटम से क्या करना चाहिए

सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट क्या होगा प्रायर पे आइटम्स तू मास्क नीचे कर रहे हा? तेरा फेस ही नहीं दिख पा रहा जैसा लग रहा तू सो रहा है मतलब आके खोल के हा? बता प्रायर पे आइटम्स क्या होता है प्रायर आइटम्स इनकम एंड एक्सपेंस जो कि एसेट लाइबिलिटी नहीं हो सकता हाँ अराइज इन द ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ दो इंपॉर्टेंट टाइम्स हा एरर और

So, ये है प्रायर पीरियड आइटम इसके कोई एग्जाम्पल्स इनकरेक्ट डेप्रिसिएशन प्रोविजन क्रिएट नहीं करना सैलरी पेपर वगैरह का को कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं करना ठीक है ना सेम ऑल राइट तो ये हो गया आपका प्रायर पीरियड आइटम्स यहां तक सबको क्लियर है ऑल राइट right. हम एक काम करते हैं क्वेश्चन हम बाद में ही करेंगे पहले हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं फिर अपन क्वेश्चन लास्ट में करेंगे चलिए प्राय पीटा आइटम हो गया अब आते हैं चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज पे फिर रहेगा चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स दो चीजें बची हुई है एक चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज और दूसरा चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स

वेरी गुड वेरी गुड यस येस चलो इधर आओ कंडीशंस लिखो येस वेरी गुड लिखिए यहां पर ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ एनी वन Condition Condition number one Change in accounting policy is due to Is due to complying any law, complying any requirement of law, requirement of law statute. आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं अगर आपको लॉ कहे तो कोई भी लॉ मान लो किसी लॉ की रिक्वायरमेंट बदल गई किसी लॉ की रिक्वायरमेंट बदल गई लॉ में लिखा हुआ है कि आपको यह फॉलो करना पड़ेगा तो आप उस लॉ को फॉलो करने के लिए आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बदल सकते हो फिर ए भी कुछ नहीं कह पाएगा आपको अंडरस्टूड नॉट फिर आपको कोई ए भी कुछ नहीं कह पाएगा समझ में आया जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं आज से कई साल पहले कई साल पहले कंपनीज एक्ट में लिखा होता था कि डिविडेंड भले बैलेंस शीट डेट के बाद डिक्लेयर होता है एजीएम में पर बैलेंस शीट डेट पर उसकी एंट्री होनी चाहिए बैलेंस शीट डेट पर उसकी क्या होनी चाहिए एंट्री होनी चाहिए बट नाउ शेड्यूल थ्री खुद कहता है

डिविडेंड की एंट्री पास करनी पड़ेगी डिविडेंड को प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा डिविडेंड को पेबल बेसिस पे दिखाना पड़ेगा साला शीट डेट पर कैसे दिखा दूं अभी तो हुआ ही नहीं बाद में हुआ तो भी आप दिखाओगे एडजस्टिंग इवेंट मानते थे बट नाउ डिविडेंड डिक्लेयर अगर बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ तो बैलेंस शीट डेट पर उसको सिर्फ कॉन्टेंजेंट लाइब्रेड दिखाते हैं और यही चीज ए एस फोर भी कहता है कि आप उसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानते हो समझ आया कि नहीं तो हमने क्या किया कंपनीज एक्ट वो हम पहले फॉलो करते थे 1956 को तो एंटिटी को कंपनी एक्ट को फॉलो करने के लिए डिफरेंट की एंट्री करनी पड़ती थी बाद में कंपनी एक्ट चेंज हो गया हमने भी चेंज कर दी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी तो क्या होता है ना अकाउंटिंग पॉलिसी आप चेंज कर सकते हो किसी लॉ का वास्ता देकर कि भाई ये देखो तो ये लॉ कह रहा है मैं क्या करूं कि लॉ कह रहा है मुझे तो करना ही पड़ करना ही पड़ेगा अंडरस्टूड और नॉट दूसरा सच चेंज इज ड्यू टू एडॉप्शन ऑफ एनी ए एस रिक्वायरमेंट एडॉप्शन ऑफ ए एस रिक्वायरमेंट ये क्या है कोई सेकेंड पॉइंट बताएगा इसका मतलब बोलिए अगर मुझे किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को फॉलो करने के लिए चेंज करनी पड़ रही है पॉलिसी मुझे पॉलिसी क्यों चेंज करनी पड़ रही है एएस के कहने पर किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को फॉलो करने के लिए मुझे अगर पॉलिसी चेंज करनी पड़ रही है तो मैं चेंज कर सकता हूं फॉर एग्जाम्पल मैं क्लोजिंग स्टॉक को आज तक मार्केट वैल्यू पे मेजर करता था अब मैं ए एस टू एडॉप्ट कर रहा करना चाहता हूं तो ए एस टू क्या कहता है कॉस्ट और एनआरवी एवर इज लोअर तो मैं अब बोल रहा हूं कि नहीं नहीं अब मैं अपने इन्वेंट्री को मार्केट वैल्यू पे मेजर नहीं करूंगा अब मैं कॉस्ट और एनआरवी एवर इज लोअर पे मेजर करूंगा तो मैं क्या कर सकता हूं क्या बोलो यस और नो कर सकता हूं क्या कर सकता हूं ना यार AS ने बोल दिया अंडरस्टूड नॉट तो अगर मैं किसी AS की रिक्वायरमेंट को फॉलो करने के लिए अपनी पॉलिसी बदल रहा हूं तो चलेगा अरे बोलो यार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आज तक मैं अपने मशीन को असैट्स को फिक्स असेट्स को रिवैल्यू नहीं करता था बट ए एस टेन कहता है कि रिवैल्यू कर सकते हो बताओ अब मैं रिवेल्यू करना चाहता हूं मैं ये पॉलिसी चेंज कर रहा हूं कर सकता हूं पॉलिसी चेंज हा क्यों मैं एस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा हूं अंडरस्टूड और नॉट मैं AS को कर रहा हूं अगर मैं ए एस को एडॉप्ट कर रहा हूं तो एडोप्ट कर तो करते वक्त अगर पॉलिसी चेंज हो रही है तो कोई टेंशन नहीं है लॉ को फॉलो करने के लिए पॉलिसी चेंज हो रही है कोई टेंशन नहीं पॉलिसी चेंज कर दो अंडरस्टूड और नॉट और तीसरा सच चेंज इज रिक्वायर्ड मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ बोलिए एक सेकेंड ना गाइस एक सेकेंड आप इसका थोड़ा सा मीनिंग देखिए क्या हो सकता है मैंने बोला पढ़ लो मीनिंग देखो क्या हो सकता है ना वेरी गुड बेटर रिप्रेजेंटेशन क्या मतलब किस सेंस में ये बोल रहा है बेटर रिप्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं दिख रही ना है ऐसा मुझे लगा कि वो अपने आप ब्लैक एंड व्हाइट हो गया चेक करो अभी चेक करो अभी ठीक लग रहा है मुझे शायद हाँ सही है वेरी गुड बहुत बढ़िया बेटा एक काम कर वो सभी लगा दे अरे मजा कर रहा मजा कर। <laughs> क्यों, क्यों क्या रिपीट टेलीकास्ट में ज्यादा मजा आता है क्या सही लग रहा है हाँ चलो अच्छा लग रहा हूं हाँ चलो हाँ चलो सच चेंज इज रिक्वायर्ड फॉर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो तुम लोग मेरे को ना उंगली कर रहे हो डांटने के लिए ठीक <laughs> है इसका पॉइंट का मतलब क्या हुआ मैनेजमेंट को लगता है कि चेंज करने से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंटेशन जो होगा वो फार बेटर होगा इसका एग्जांपल सुन लो स्टार्टिंग के दो क्लासेस में हमने शेड्यूल थ्री पढ़ा था शेड्यूल थ्री में करंट असेट का डेफिनेशन पढ़ा था यस yes, सर पढ़ा था आप भूल गए करंट असेट का डेफिनेशन था कुछ कुछ था कुछ तो था

अब ये करंट एसेट की डेफिनेशन कहा लिखी हुई है सर वो पेज नंबर है ना लायक शेड्यूल थ्री में लिखी हुई है यह बहुत पेज नंबर पे लिखी अरे मा अरे मा, माता जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स इधर आ तो इधर आ इधर आ इधर इधर ये मेरे फेस टू फेस स्टूडेंट्स ये ये सब फेस टू फेस स्टूडेंट्स मैं पूछ रहा हूं कि ये डेफिनेशन कहा लिखी हुई है वो पेज नंबर लिखी हुई है अरे दादा अरे शेड्यूल सही में लिखी हुई है मेरे प्यारे क्या करते हो यार तुम तो क्या मतलब पहला साल का पहला दिन उसमें तुम ये सब हैंग ओवर मतलब इसके अलग ही होते हैं। <laughs> ये करंट एसेट की डेफिनेशन कहा लिखी हुई है शेड्यूल थ्री में लिखी हुई है शेड्यूल थ्री किस बारे में बात करता है प्रेजेंटेशन के बारे में बात करता है बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन कैसे होगा और आ, क्या बोलते हैं पेनल का प्रेजेंटेशन कैसे होगा हाँ शेड्यूल ने बताया कि कौन सी एसेट्स को करंट में डालना चाहिए कौन सी असेट्स को? में डालना चाहिए, अभी तक आप 3 नहीं करते पर्टिकुलर लोन को लॉन्ग टर्म अट में दिखा रहे हो नॉन करंट अट में दिखा रहे हो बट जैसे ही आपने उसको करंट अट की डेफिनेशन में उसको रखा कि जो मेरा ये लोन है मैंने जिसको लोन दिया है मैंने देखा यार ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो यार ये कायदे से करंट में आना चाहिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए करंट में आना चाहिए तो बेटर होगा कि मैं क्या करूं इसको करंट में ले जाऊं ताकि मेरा प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ज्यादा ताकिट हो अंडरस्टूड और नॉट अच्छा एक बात बताओ आमतौर तो पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को कहां दिखाते हैं करंट में कि नॉन करंट में करंट में डेफिनेशन क्या है डेफिनेशन में चौथा पॉइंट क्या है अरे बार बार क्यों निकाल रही है ऐसे ही बोलो ना

तुम उसको यूज नहीं कर पा रहे हो आने वाले बारह पंद्रह महीने तक तो वो कैश एंड बैंक बैलेंस क्या हुआ करंट की नॉन करंट नॉन करंट उस तो तुम करंट दिखा रहे हो तो मुझे बताओ तुम्हारा प्रेजेंटेशन अप्रोप्रियट हो रहा है क्या नहीं अप्रोप्रियट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा उसको नॉन करंट में ले जाओ तो इट इट मतलब मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि हमें प्रेजेंटेशन ज्यादा अप्रोप्रियट दिखाने से दिखाने के लिए हम पॉलिसी चेंज कर सकते हैं अंडरस्टूड और नॉट क्लियर हुआ कि नहीं जो तो थर्ड वाला पॉइंट है इसका आपको नहीं लगता बहुत सारे एंटिटीज गलत फायदा उठा सकते थर्ड वाले पॉइंट का क्योंकि पहला वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि अगर लॉ कहे तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो अगर लॉ कहे लॉ नहीं कहे तो नहीं कर सकते दूसरा क्या लिखा है अगर एज की रिक्वायरमेंट का फुलफिल करना है तो पर तीसरा वाला कुछ लॉ या एज तो है नहीं प्रेजेंट प्रेजेंटेशन तो मैनेजमेंट तो हर बार बोल देगा कि हमने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी क्योंकि हमारे हिसाब से प्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट पहले था नहीं अब अप्रोप्रिएट है समझ में आ रही बात की नहीं तो so ये थर्ड पॉइंट थोड़ा सा वेग टाइप का है कि अरे यार इसका तो कुछ फायदा ओवर फायदा उठाया जा सकता है अंडरस्टैंड इसका अंडी एडवांटेज लिया जा सकता है क्लियर है कि नहीं तो ये क्या है ये 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 तीन कंडीशन किस बारे में बात करती है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कब कर सकते हो और ये कहा लिखी हुई थी एस yes. अब यहां पर वापस आते हैं ये क्या कह रहा है इस पॉइंट को पढ़िए फर्स्ट पॉइंट को क्या लिखा हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज बाय कंप्लाइंग द ऑफ और ये AS1 की कंडीशन हमने बता दी कि आप अगर ए एस वन की कंडीशन को फुलफिल करते हो तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते तो एस फाइव में क्या लिखा है ए एस फाइव में ये रिक्वायरमेंट लिखी हुई है अब मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि ये दो मिनट के अंदर ये चारों की चारों रिक्वायरमेंट पढ़िए और फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ पूछूंगा हर एक रिक्वायरमेंट का मतलब तो पहले आप ये चारों पढ़िए के पॉइंट्स है हा फोर पॉइंट है करंट पहला पॉइंट बताओ हाँ, नहीं। बस ये बताना है अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने के कारण आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्या असर गिरेगा कितना अफेक्ट पड़ेगा अगर वो अफेक्ट मटेरियल है तो उसको डिस्क्लोज करना है कोई एग्जांपल, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन चेंज किया चलो क्लोजिंग स्टॉक को अभी तक हम वैल्यूएशन करते थे मान लो उसका जो हम कॉस्ट निकालते थे तो फीफो बेसिस पे निकालते थे तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक फीफो बेसिस हिसाब से आ रहा है थर्टी फाइव करोड़ आ रहा है अभी क्लोजिंग स्टॉक एवरेज करता हूं किसके हिसाब से करता हूं तो उसका वैल्यू आ रहा है सुनना ध्यान से उसका वैल्यू आ रहा है थर्टी टू करोड़ कितने से आपका क्लोजिंग स्टॉक गिर गया कितने से गिर गया तो थ्री करोड़ से अगर क्लोजिंग स्टॉक गिरा तो कहीं ना कहीं थ्री करोड़ से आपका नेट प्रॉफिट गिरा होगा तो कि नहीं क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, तो नेट प्रॉफिट और जीपी गिरा होगा तो गिर like बोल सकता हूं मटेरियल थ्री करोड़ डिवाइडेड बाय थर्टी फाइव करोड़ इंटू हंड्रेड कितना परसेंटेज है अप्रोक्सीमेटली आठ नौ परसेंट होगा दस के आसपास दस से थोड़ा सा कम दस के आसपास है ना थ्री थ्री सोचा टेन कैसे हो गया एट पॉइंट फाइव नौ मतलब यार नौ परसेंट का चेंज हो गया नौ परसेंट चेंज चेंज ऐसा नहीं कि मतलब पॉइंट में आ रहा है मटेरियल इफेक्ट तो so, हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे इसका डिस्कलोजर देना पड़ेगा कि मैंने करंट ईयर में क्लोजिंग स्टॉक का जो कॉस्ट के बेसिस पर वैल्यूशन करते हैं वो फीफो से वेटेड एवरेज पे शिफ्ट किया है पहला पॉइंट दूसरा सच मटेरियल इफेक्ट शुड बी मतलब कितने से गिरा कितने से बढ़ा कितने से इंपैक्ट गया तो मैं क्या दिखाऊंगा सेकंड पॉइंट में कि थ्री करोड़ रुपी से मेरा प्रॉफिट गिर गया अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को मैं कैसे बोलूंगा अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को फीफो में करता तो हमारा प्रॉफिट तीन करोड़ ज्यादा होता तो यह असअेन कर लिया दूसरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं समझ आएगी नहीं तीसरा इफ इट इज नॉट फैक्ट शुड बी डिस्कलोज हो सकता है किसी अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज करने से आप उसको क्वांटिफाई ना कर पाओ अभी मैंने इसको क्वांटिफाई किया कितना क्वांटिफाई हुआ क्योंकि ये फिगर्स में चेंजेस हुए हो सकता है कुछ ऐसे पॉलिसी में चेंजेस हुए हो जहां फिगर्स में बदलाव नहीं हुए जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया कि मैं किसी लोन को नॉन करंट एसेट में दिखाता था अब मैं उसको किस में दिखाऊंगा करंट में तो मेरा पॉलिसी चेंज किया पर क्या ऐसे फिगर में कुछ इफेक्ट आया क्या तो क्या करूं मैं क्या इसको कर पाऊंगा क्या तो मैं क्या बोलूंगा द फैक्ट शुड बी फैक्ट किस चीज का फैक्ट दैट आई हैव चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी अर्लियर इट वॉज शोन एज नॉन करंट नाउ इट इज बिंग शोन एज करंट बट द अमाउंट ज नॉट एसटेनेबल ये मुझे फैक्ट बताना पड़ेगा द अमाउंट इज नॉट एसटेनेबल अंडरस्टेंड अर नॉट द लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट का मतलब कौन बताएगा पिछले यहां पर मराठी ज्यादा चलते ना तो हिंदी में प्रॉब्लम हो जाता है ना अगला और पिछला अगला मतलब आगे वाला और पिछला मतलब पीछे वाला तो ये किसकी बात कर रहा है आगे वाले की बात कर रहा है अगले की की बात कर रहा है है पिछले की नहीं क्या हो सकता है, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने से मटेरियल इफेक्ट करंट ईयर में तो नहीं पड़ रहा है बट एंटिटी को ऐसा रखता है कि उसका इफेक्ट नेक्स्ट ईयर में जरूर पड़ेगा तो क्या करना है आपको करंट ईयर में ये फैक्ट डिस्क्लोज कर रहे हैं कि इसका इफेक्ट नेक्स्ट ईयर में आएगा करंट ईयर में इसका इफेक्ट नहीं आएगा ये फैक्ट आपको करंट ईयर में बता रहे करंट पीरियड बट इट इज मटेरियल फॉर द लेटर पीरियड नेक्स्ट पीरियड में इसका इंपैक्ट मटेरियल गिरेगा डिस्कलोज इन द पीरियड ऑफ चेंज जिस टाइम पे आपने चेंज किया उसी पीरियड में बता दीजिए कि इसका क्या इफेक्ट गिरेगा अगले साल में अंडरस्टूड बेटा चार पॉइंट आप याद रख पाओगे कौन से चार पॉइंट है मटेरियल इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी डिस्कलोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन दर इन विच इन विच चेंज अकर दूसरा सच मटेरियल इफेक्ट शुड बी असटेन क्वांटिफाइड तीसरा इफ इट इज नॉट क्वांटिफाइबल नॉट असटेनेबल

हाँ huh? नहीं नहीं क्यों क्यों नहीं लगेगी ए एस खुद ही बोल रहा है ए एस ऐसे केस में बोल रहा है कि अगर लॉ बदल जाए तो आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते तो उधर लॉ बदल रहा है अब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी हो गया क्लियर हुआ ये पॉइंट्स ये अकाउंटिंग पॉलिसी का पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं ऑल राइट क्लियर है ना पक्का नेक्स्ट पे आओ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट चलिए पढ़िए पहले आप खुद जितना पढ़ सकें आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट किस पे निर्भर करते हैं सरकम चांसेस के ऊपर आप एस्टिमेट किस बेसिस पे लेते हो करंट सिचुएशन करंट कंडीशन करंट के बेसिस पर आप क्या लेते हो एस्टीमेट बाद में अगर आपको आपके कंडीशन बदल जाए सिचुएशन बदल जाए सरकम चांसेस बदल जाए तो आपको एस्टिमेट बदलने पड़ते हैं बदलने पड़ते हैं और नॉट क्या अकाउंटिंग एस्टिमेट अकाउंटिंग पॉलिसी की तरह कंडीशन है क्या ए एस वन में भी सेम कि अकाउंटिंग एस्टीमेट भी चेंज करने से पहले आपको तीन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी वो जो तीन कंडीशन थी क्या ये तीन कंडीशन अकाउंटिंग एस्टीमेट के ऊपर लगनी चाहिए क्या नहीं ऑब्वियसली नहीं अकाउंटिंग एस्टीमेट एंटिटी का खुद का एस्टिमेशन होता है खुद के जजमेंट के अकॉर्डिंग एंटिटी एस्टिमेट करती है खुद का जजमेंट आप इस चीज को लिंक कर पा रहे हो जजमेंट अरे यार मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा कितना पैसा डूबेगा मेरा जजमेंट कहता है कि मेरा पांच परसेंट डूबेगा तो मैं कितना परसेंट बनाऊंगा प्रोविजन पांच परसेंट एंटिटी हमेशा अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग प्रोविजन बनाती है एस्टिमेट बनाती है अगर अच्छा बारह साल तक यूज कर पाऊंगा कितने साल तक सेम अट किसी दूसरी एंटिटी ने भी लिया है और उसको लगता है कि वो पंद्रह साल यूज कर पाएगा मेरे को लगता है कि मैं बारह साल यूज कर पाऊंगा तो क्या जरूरी कि मुझे पंद्रह साल ही उसकी यूजफुल लाइफ माननी चाहिए मुझे क्या माननी चाहिए पर क्योंकि मेरा जजमेंट कहता है उसका जजमेंट क्या कहता है उसमें कंडीशन दोनों के सरकम अलग हो सकते हैं क्यों वो हो सकता है असेट को ज्यादा यूज नहीं करेगा हो सकता है नाइट शिफ्टिंग नहीं लगाएगा मैं असेट को डबल शिफ्टिंग में काम करूंगा तो मुझे पता है कि मेरी असेट पंद्रह साल तक तो चलने नहीं वाली चलने नहीं वाली बारह साल तक तो चलेगी उसकी सरकम अलग, अलग है तो मैंने अपने उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला कि बारह साल का मेरा लाइफ है हो सकता है दो चार साल बाद मैं ये करूं कि यार मेरे सरकम बदल गए मेरे कंडीशन बदल गए अब मैं लाइफ में बदलाव कर रहा हूं चेंजेस कर रहा हूं तो इट इज कॉल्ड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अंडरस्टूड और नॉट नहीं आया समझ में चलिए अब आप खुद से पहले सब चीजें पढ़िए पहले सारे पॉइंट्स फिर अपन आगे करके डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट है एज अ रिजल्ट ऑफ अनसर्टनिटीज इनहेरेंट इन द बिजनेस एक्टिविटीज यार देखो जब भी हम बिजनेस करते हैं हर चीज को लेकर हम सर्टन नहीं हो सकते कहीं कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर कुछ अनसर्टनिटीज रहती हैं बिजनेसेस में मुझे मेरा पैसा टाइम पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ठीक है ना मैं लोन कितने टाइम में चुका लूंगा कुछ ना कुछ बिजनेस करते वक्त अनसर्टनिटीज रहती है हम अपनी ये बिजनेस हम मैं मैं सिंपल सा एग्जांपल लू कि जैसे मान लो मैंने अपना एक नया बैच शुरू किया ठीक है ना मेरे लिए क्या अनसर्टनिटी है मेरे लिए अनसर्टिनिटी कि यार मैं कितने है ना मैंने ये नया बैच लॉन्च किया मैं कितने बुक्स प्रिंट ऑनलाइन टोटल मिला के एडमिशन रिकॉर्डेड लेक्चर कितने बच्चे लेंगे अब ये बुक चलने वाली है छह महीने छह महीने के बाद मान लो कोर्स बदल जाएगा जैसे अपन विशाल सर का एग्जाम्पल लेते हैं जीएसटी का जीएसटी में तो कितने सारे ये सोच के कि यार अगर मैं पांच हजार बुक्स प्रिंट करवाता हूं तो क्या पांच हजार एडमिशन होंगे कि नहीं होंगे क्योंकि तो मैंने पांच हजार करवा लिए और कल को एडमिशन हुए साढ़े चार हजार तो मेरे पांच सौ बुक्स तो वेस्ट हो गई अंडरस्टूड और नॉट तो बिजनेस में किसी भी बिजनेस में मैं अभी मैंने क्लासेस का एग्जाम्पल लिया बट ओवरऑल हमेशा बिजनेसेस में अनसर्टनिटीज बनी रहती है जरूरी नहीं कि हर बार अनसर्टनिटी हर चीज के लिए होती है कुछ कुछ चीजों के लिए अनसर्टनिटीज बनी रहती है और जहां जहां अनसर्टनिटीज होती है वहां आपको क्या करना पड़ता है एस्टिमेशन करना पड़ता है क्या करना पड़ता है बेटा एस्टिमेशन करना पड़ता है हम लोग पता है कैसे एस्टिमेट करते हैं मैं हमेशा यह पॉलिसी चलाता हूं कि ठीक है

Understood कि आर मेरी खराब नहीं होंगी वेस्टेज नहीं होंगी क्लियर तो uncertainties are involved. तो क्या बोल रहा है Many financial statements, items, cannot be measured with accuracy. क्योंकि अनसर्टेनिटी है तो आप बहुत सारे आइटम्स को एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते हो चलो आप वो अडले आइटम को निकालते हैं आप असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हो किस बेसिस पर डेप्रिसिएशन के लिए क्या चीजों की जरूरत पड़ती है यूजफुल लाइफ स्क्रैप वैल्यू अंडरस्टूडर नॉट ये दो चीजों की जरूरत पड़ती है और ओरिजिनल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट इज सर्टन अरे तुमने खर्चा कर लिया ना ओरिजिनल कॉस्ट इज बट वॉट इज नॉट सर्टन स्क्रैप वैल्यू एंड एस्टिमेटेड लाइफ एस्टिमेट नंबर दो लाइव यूजफुल लाइफ इट इज नॉट सर्टन तो क्या आप एक्यूरेटली क्या ये कह सकते हैं क्या कि हर कंपनी अपने एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा रही है वो एक्यूरेट है नहीं वो एस्टिमेशन है उस दिन में आपको यही समझा रहा था, था, था कल की क्लास में कि चेंज इन अकाउंट चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट क्योंकि उसमें दो चीजों का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है कौन सी दो चीजें यूजफुल लाइफ और स्क्रैप वैल्यू और आप उसको कभी भी एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हो

भाई उन्होंने भी अपना एक एस्टिमेट करके प्रेस्क्राइब किए समझ गए कि नहीं तो जो असेट का जो आइटम होता है डेप्रिजन आप उसको एक्यूरेट नहीं करते हो और दूसरा इन्वेंट्री मेजर करते कॉस्ट और एनआर NR, एनआरवी को एस्टिमेट करना पड़ता है एनआरवी कहां से तुम एक्यूरेट कहां से लाओ पे एस टू कहता है कि एनआरवी को एस्टिमेट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड अंडरस्टूड एन नॉट तो इन्वेंट्री आपकी एक्यूरेटली मेजर नहीं हो सकती बोलो रे क्लियर हुआ कि नहीं चलो इन्वेंट्री की बात करते हैं। में जब तुम कॉस्ट फाइंड आउट करते हो तो फीफो लगाते हो। फीफो का मतलब क्या होता है जो लास्ट में पड़े होंगे ऐसा जरूरी होगा क्या नहीं पर हमारा होगा तो ये भी तो नहीं है क्लियर हुआ कि नहीं समझ आया डेटर्स से हंड्रेड परसेंट पैसा मिलेगा कि नहीं क्रेडिट पीरियड जितना दिया है उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कितना पूरा मिलेगा वहां पर आपको एक्यूरेसी आप बोल नहीं सकते हमेशा अंडरस्टूड और नॉट तो कई सारे आइटम्स हैं विच कैन नॉट बी मेजर विथ एक्यूरेसी विथ एक्यूरेसी यू कांट मेजर दैन बिकॉज ऑफ अनसर्टनिटीज फिर से बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सम ऑफ द आइटम्स कैन नॉट बी मेजर्ड विथ एक्सी बिकॉज ऑफ अनसर्टेटीज इन्वॉल्व इन द बिजनेस अंडरस्टैंड और नॉट अनसर्टनिटीज की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कुछ आइटम्स को आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते यह तो बात समझ में आएगी नहीं तो आप उनको क्या कर सकते हो हाइलाइट किया मैंने क्या कर सकते हो हाईलाइट किया मैंने क्या कर सकते हो आप उनको सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हो आप उनको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हो आप उनको एस्टिमेट कर सकते हो अंडरस्टूड और नॉट ओके द एस्टिमेशन प्रोसेस इनवॉल्व एस्टिमेशन के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है जजमेंट की जरूरत पड़ती है मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था मेरा जजमेंट कहता है कि यूजफुल लाइफ बारह साल होगी सामने वाले का जजमेंट कहता है यूजफुल लाइफ पंद्रह साल होगी क्योंकि मुझे पता है कि मैं यूज करने का तरीका मेरा डिफरेंट है सामने वाले का डिफरेंट है खत्म होगी अंडरस्टूड नॉट तो, तो एस्टिमेशन के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है जजमेंट बेस्ड ऑन द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल एंड सरकम जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आज अवेलेबल है उसके हिसाब से आप जजमेंट ले लो कल को अगर इंफॉर्मेशन बदल गई तो जजमेंट आपका बदल जाएगा जजमेंट बदल गया तो एस्टीमेट बदल जाएगा अंडरस्टूड और नॉट एक सेकेंड तो सबसे पहले कुछ आइटम्स जिनको आप एक्यूरेटली मेजर नहीं करते हो उनके लिए क्या जरूरी है एस्टिमेशन एस्टिमेशन किसके ऊपर निर्भर करता है जजमेंट जजमेंट के लिए क्या चाहिए बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं सर हाँ इसको लिख पाओगे एरो करके ऐसे डायग्राम बना के अपनी कॉपी में या बुक में ऐसे ही बस शॉर्ट शॉर्ट में कैसे लिखोगे सबसे पहले टू डू दैट हां क्या लिखोगे सम आइटम्स ंट बी मेजर्ड एक्यूरेटली तो उनके लिए क्या चाहिए नहीं एक्यूरेटली मेजर नहीं हो सकते कैन बी एस्टिमेटेड ओनली कैन बी एस्टिमेटेड ओनली बोलो ना रे कैन बी एस्टिमेटेड ओनली यहां से शुरू किया मैंने ठीक है एस्टिमेट कर सकते हैं सिर्फ उनको अच्छा एस्टिमेशन के लिए क्या चाहिए नहीं जजमेंट एस्टिमेशन किसके ऊपर बेस्ड होता है एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन जजमेंट एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन जजमेंट और जजमेंट के लिए क्या चाहिए फॉर जज फॉर जजमेंट बेस्ट अवेलेबल इन्फो इज रिक्वायर्ड जो भी आपके पास बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो रिक्वायर्ड होती है क्लियर है कि नहीं वो फर्स्ट में ही आ गया ना सम आइटम्स कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बिकॉज़ ऑफ अब इसमें लिख सकते हो बिकॉज ऑफ अनसर्टनिटीज समझा कि नहीं मैं सिर्फ आपसे पता ये सब ये इसलिए बनवा रहा था कि आप कोई शब्द याद हो ये ये जो टेक्निकल पॉइंट्स है ना ये लिखने का काम आता है वहां पर ये टेक्निकल पॉइंट्स नहीं लिख के आओगे जनरल पॉइंट लिख के आओगे हो नंबर मिलेंगे तो ये जब कही न कहीं ना कहीं सर्किल दिया हुआ है अलग अलग दिया हुआ तो वहां पर शायद कुछ याद आ जाए कि हाँ यार किसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है अनसर्टेनिटी हुई अनसर्टेनिटी कुछ आइटम्स पे हुई तो आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाओगे आप क्या कर पाओगे सिर्फ एस्टिमेट कर पाओगे एस्टिमेशन के लिए क्या जरूरी एस्टिमेशन किस बेसिस पे आता है जजमेंट्स एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन जजमेंट्स जजमेंट्स के लिए क्या चाहिए बेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल अंडरस्टोड आगे एस्टिमेट्स में सकते हैं क्या huh? क्यों जजमेंट के बदलने से जजमेंट क्यों बदल गया इंफॉर्मेशन बदल गई नहीं आएगा समझ में इफ चेंजेस अकर रिगार्डिंग द सर्कमस्टांसिस ऑन विच एस्टिमेट वाज बेस्ड और एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू मेशन तो चलो एक और ये डायग्राम बनाते हैं एक तो ये हो गया एक तो ये हो गया एक सेकेंड पहले एक नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं फिर बनाते हैं तो एक्स्ट थर्ड पॉइंट फिर से पढ़ रहा हूं एस्टिमेट्स मे हैव टू बी रिवाइज्ड इफ चेंजेस अकर अगर चेंजेस हो जाए किसमें चेंजेस किसमें हो सरकम चांसेस में चेंजेस हो जाए या फिर न्यू इंफॉर्मेशन आ जाए या तो सरकम चांसेस बदल जाए क्या तो न्यू इंफॉर्मेशन आ जाए नेक्स्ट एज पर एस फाइव इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट शुड बी क्लासिफाइड यूजिंग सेम क्लासिफिकेशन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज वॉज प्रीवियसली यूज प्रीवियसली फॉर द एस्टिमेट मुझे ये पॉइंट नहीं समझा मेरे को नहीं समझा

वापस से पढ़ो ये पॉइंट अब थोड़ा सा समझ में आएगा द इफेक्ट इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट शुड बी क्लासिफाइड द वर्ड इज क्लासिफाइड उसका क्लासिफिकेशन सेम होना चाहिए उसका क्लासिफिकेशन सेम होना चाहिए जो ओरिजिनल क्लासिफिकेशन हुआ था ओरिजिनल क्लासिफिकेशन क्या हुआ था ऑर्डनरी एक्टिविटी तो ये चेंज भी क्या होगा ऑर्डनरी एक्टिविटी ओरिजिनल क्लासिफिकेशन क्या हुआ था एक्स्ट्रॉर्डनरी तो चेंज भी क्या होगा एक्स्ट्रा नहीं uh, किया था तो यह क्या होगा एक्सेप्शनल अंडरस्टूड और नॉट शुड बी क्लासिफाइड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज प्रीवियसली फॉर द एस्टिमेट जो आपने ओरिजिनल एस्टिमेट में क्लासिफिकेशन यूज किया था वही क्लासिफिकेशन में आप इस चेंज को भी डालोगे नहीं आया समझ में क्या ठीक है उसी को लेकर आगे के पॉइंट्स लिखे हुए पढ़िए the activity, then टू ऑर्डर चेंज इन अकाउंटिंग should शुड classified क्लासिफाइड लिखा हुआ है भाई भाई फोर्थ नंबर पॉइंट का ही सब ये फिगर्स हैं ठीक है थीके? हाँ आगे नेक्स्ट इफ द activity, then टू the change in अकाउंटिंग estimate शुड be क्लासिफाइड एज एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम एक्टिविटी गलत वर्ड आ गया है आइटम होगा आइटम होगा नेक्स्ट अरे वाह ये तो हमने कल ही डिस्कस किया था पॉइंट नंबर सेवन नहीं किया था डिस्कस पढ़ो पॉइंट नंबर सेवन पढ़ो पड़ो, पड़ो, पड़ो। हमने कल उसको उल्टा डिस्कस किया अलग डिस्कस किया था कि जब एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं आ, प्रायर पीरियड आइटम को कभी भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट नहीं कह सकते अरे पढ़ा था ना ये भी तो वही बोल रहे हैं कि चेंजेस इन तो अकाउंटिंग एस्टिमेट शेल नॉट बी ट्रीटेड एस एक्स्ट्रॉर्डनरी और

अंडरस्टूड और नॉट एक काम कर दो इसके साइड में लिखो रेफर क्वेश्चन नंबर कल का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कल एक इकलौता क्वेश्चन डिस्कस किया था एक ही क्वेश्चन नंबर फाइव तो रेफर क्वेश्चन नंबर फाइव अंडरस्टूड और नॉट क्वेश्चन नंबर एट सॉरी पॉइंट पॉइंट नंबर नंबर वो सेम समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इन सच केस द चेंज इज ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट विथ अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर मतलब क्या जब भी कोई एंटिटी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती उसको नहीं समझ में आ रहा कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है कि ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है तो उसको क्या मानना चाहिए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मानना पड़ेगा अंडरस्टूड नॉट ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसको इंपॉर्टेंट कर दो ठीक है अच्छा यहां आ जाओ यहां इसमें आ जाओ क्या बोला था हमने आइटम्स कुछ मेजर नहीं हो सकते एक्यूरेटली बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी तो वो कैसे हो सकते हैं एस्टिमेट हो सकते हैं सर एस्टिमेशन के लिए जजमेंट जजमेंट के लिए बेस्ट अवेलेबल अब आप यहां पे एरो करके लेके आओ यहां पर एरो करके लेके आओ एस्टिमेट्स में भी रिवाइज एस्टिमेट्स में बी रिवाइज्ड। ड्यू टू चेंज किसमें चेंज इन वॉट चेंज इन सर्कम चांसेस और न्यू इन्फॉर्मे अवेलेबल न्यू इन्फॉर्मेशन तो एस्टिमेट्स में भी रिवाइज due to change in circumstances or new information. चलिए आप लास्ट वाला है इसको पहले कंप्लीट कर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है सामने क्या लिखा हुआ है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का क्या इफेक्ट देते चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का क्या इफेक्ट देते हैं बेटा रिट्रोस्पेक्टिव और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का क्या इफेक्ट देते बेटा प्रोस्पेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिव का कल मैंने एग्जाम्पल दिया था एग्जाम्पल दिया था मैंने रिट्रोस्पेक्टिव का कल मैंने एग्जाम्पल दिया था वो इंडिया का वास्ता देखे पीछे जाके चेंज करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रीवियस ईयर में रिजर्व सरप्लस पे अफेक्ट दे दो याद आ रहा है कि नहीं बताया था मैंने वो वो क्या था रिट्रोस्पेक्टिव और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का क्या बोल रहा है प्रोस्पेक्टिव चेंज कैसे बोलेंगे प्रोस्पेक्टिव चेंज कोई एग्जाम्पल प्रोस्पेक्टिव चेंज का एग्जाम्पल सोचो सुनो so, no, बहुत ही सिंपल है बहुत ही सिंपल है ओरिजिनल कॉस्ट असेट का एक लाख यूजफुल लाइफ यूजफुल लाइफ टेन इयर्स मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है टेन थाउजेंड आफ्टर फोर इयर्स आफ्टर फोर इयर्स मुझे बताओ बुक वैल्यू कितनी है असेट की बुक वैल्यू कितनी होगी सिक्सटी और कितनी लाइफ होनी चाहिए बेस्ड ऑन प्रीवियस एस्टीमेट छह साल मेरा एस्टीमेट बदल गया मैं बोल रहा हूं नाउ न्यू यूजफुल लाइफ रिमेनिंग फोर इयर्स अब सिर्फ चार साल एक सेकेंड रिट्रोस्पेक्टिव चेंज करना है कि प्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव करना है तो मैं क्या करूंगा पीछे जो हो गया वो हो गया पीछे जो हो गया वो हो गया उसको बात छोड़ अब आगे के कितने साल बचे बस अब करंट ईयर से लेकर आप डेप्रिशन कितना लगाओगे पंद्रह अंडरस्टूड और नॉट अगर मुझे इसका रिट्रोस्पेक्टिव देना होता तो कैसे देता मैं बोलता हूं माई गॉड चार साल हो चुके हैं चार साल ही बचे हैं तो रिवाइज लाइफ कितनी हुई आठ साल है? इसका मतलब मुझे शुरू से डिप्रेशन आठ साल के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए था और मैंने दस साल के अकॉर्डिंग लगाया तो मैंने कितना ज्यादा लगाया या कितना कम लगाया समझ में आ रहा है कि नहीं तो मैं उतना इफेक्ट ओपनिंग रिजेवन सर्कुलस में दे देता दे बट मैं ऐसा करने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कौन सा इफेक्ट दे रहा हूं प्रोस्पेक्टिव समझ में आया कि नहीं बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं तो ये जो मैंने किया फिफ्टीन थाउजेंड प्रोस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन ये आने वाले टाइम में हम इतना डेप्रिसिएशन बुक करेंगे हमें पिछले डेबिट किए हुए डेप्रिसिएशन में चेंजेस करने की जरूरत नहीं कभी आपसे कोई व्यक्ति पूछे रिट्रोस्पेक्टिव कैसे चेंज करते हैं तो क्या जवाब दोगे सर प्रीवियस ईयर में जो एंट्री होनी चाहिए थी या जो अमाउंट रिकॉर्ड होना चाहिए था, उसको करेंगे थ्रू एंड सरप्लस नहीं आया सर में हा? इसी को ले लेते मान लो मान लो डेप्री जैसे मैं आपको बोलता कितने साल हो चुके थे चार कितने रिमेनिंग बचे थे कितने हुए टोटल मैं अगर इसका रेट्रोस्पेक्टिव दू तो कैसे बोलूंगा कि अरे शुरू से मुझे एट इयर्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन करना चाहिए था तो वन लाख डिवाइड बाय एट कितना हुआ था। था। ना हाँ. वन लैख डि एट कितना हुआ ट्वेल्व थाउजेंड तो ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू फोर आज तक कितना डेप्रिसिएशन लग जाना चाहिए था फिफ्टी और आज तक कितना लग चुका है चालीस तो मतलब ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा लेना चाहिए था, तौल था।, तौल था� कितना? दस हजार तो एक काम करता हूं पिछले साल में जाके मैं टेन थाउजेंड की एंट्री पास कर लेता हूं क्या एंट्री पास करूंगा देप्रिशन नहीं, देप्रिशन नहीं। देप्रिशन तो, तो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हमेशा ऐसे होता है नहीं एसेट की वैल्यू को डाउन कर दिया और रिजर्व इन सरप्लस को डेबिट कर दिया अरे भाई पिछले साल के खाते तो सब

ये होता है रिट्रोस्पेक्टिव पर यहां रिट्रोस्पेक्टिव करने की बदल रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये है में अकाउंटिंग लगता है में अकाउंटिंग लगता अरे समझा कि नहीं तो आपसे कोई भी पूछे कि रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कैसे होती है तो आप बता सकते हो ना अंडरस्टूड और नॉट उसका इफेक्ट ओपनिंग एंड सर्प्लस में देता, देना पड़ता है नहीं नहीं इंडेस

प्रायर पीरियड आइटम का भी क्या देते रिट्रोस्पेक्टिव अंडरस्टूड और नॉट अकाउंटिंग पॉलिसी में तो चाहे हो, चाहे रिट्रोस्पेक्टिव ही देते हैं समझ में आया कि नहीं हाँ भाई दूसरा पॉइंट क्या है एग्जाम्पल्स ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर एस्टिमेटिंग द रेसिडलट रेसिडेंट वैल्यू ऑफ द फिक्स असेट एस्टिमेटिंग दूसफुल लाइफ ऑफ द असेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड इनकम टैक्स ये सब आपके क्या है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स पूरा एक ही लाइन में लिखा हो नाविजन फॉर डाउटफुल डेट प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ठीक है तो इसी के साथ ए एस फाइव डन बचे हैं हमारे पास उसके क्वेश्चन ऑल राइट कितने क्वेश्चन है टोटल हमारे पास बस चार क्वेश्चन बचे क्या बात कर रहे हो वाओ शानदार ये चार क्वेश्चन सर ये चार क्वेश्चन बचे हैं सर ये तो आप हमें ही दे दो आप सर घूम के आओ नीचे से खाना वाना खा के आओ हम ही कर लेंगे ये मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा यार बाकी बच्चे हैं नहीं तो अपन पार्टी को कल कल ही पोस्टपोन करते हैं परसों आदि थी तो तुम्हें परसों परसो नहीं दूंगा ऐसा तुम देखे क्या क्या करोगे फिर <laughs> वो तो पता ही तुम वैसे भी भेज दो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन डिस्कस करना अपन एक काम करते हैं अपन अभी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जैसे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे अपना एएस फाइव कंप्लीट हो जाएगा अपन थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेंगे और नया टॉपिक शुरू करेंगे फिर ठीक है क्वेश्चन नंबर वन चलिए एक बार आप खुद से पढ़िए पहले question number 1 fuel surcharge is billed by the state electricity board at provisional rates final bill for the fuel surcharge of rupees 5.3 lakhs for the period of october 11 to september 17 has been received and paid in february however the same was accounted in the year 1819 कमेंट ऑन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या समझ आ रहा है आपको यह कंपनी प्रोविजनल बेसिस पर रिकॉर्डिंग करती है ठीक है एक्चुअल बिल जब आया तो वो 5.3 लाख का बिल आया और वो भी फरवरी 2018 में आया और इसको अकाउंट फॉर किया गया 1819 में कमेंट ऑन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डन इन द सेड सेड केस क्या आ रहा है ये ये क्या है कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है कि ये प्रायर प्राइवेट आइटम है हाँ कैसे एरर ओमिशन किस तरीके से सत्रह ट्रक में बिल बना से लेकर सेवनटीन तक का बिल था वो फेब्रवरी टू थाउजेंड एटीन में आया पर रिकॉर्ड कब सेवनटीन एटीन में, में रिकॉर्ड होना चाहिए था फैब में रिकॉर्ड होना चाहिए था वो रिकॉर्ड हुआ एटीन नाइनटीन में ऐसा और

कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है बेसिकली ये जब किसी एक साल में अकाउंटिंग करता है तो ये एस्टीमेट बेसिस पे करता है अकाउंटिंग एस्टीमेट मतलब प्रोविजन बनाता है कि यार आगे चल के इतना इतना, इतना बिलिंग होगा समझ में आ रही नहीं वापस से इसको समझते हैं ये कौन सा बोर्ड है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड

इनको फाइनल बिल कब आया फेबर 2018 में आया मतलब सेवनटीन एटीन में आया हाँ पेमेंट भी इन्होंने कब कर दिया पर इन्होंने रिकॉर्डिंग इसकी कब की 18-19 तो रिकॉर्ड गलत ईयर में कर दिया इसको मतलब 17-18 में रिकॉर्ड करना भूल गए अंडरस्टूड और नॉट हाउ एवर इट सीम्स दैट एज अ रिजल्ट ऑफ error or omission in the preparation of financial statements for the prior period for the year ending 31st March 18 this material change has uh, material charge has arisen in the current period therefore it should be treated as prior period item as per AS5 prior period items are normally included in the determination of net profit or loss an alternate approach is isko kya hai bhai? alternate approach is to show such items in the statement of profit and loss

तुम में पहले उसको दिखाओ ही मत उसको दिखाए बिना तुम प्रॉफिट निकाल लो और करंट ईयर के प्रॉफिट के बाद तुम फिर उसको दिखाओ कि हाँ ये प्रायर आइटम है इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट और कम हो गया तो भी सेपरेटली डिस्क्लोज़ हुआ दोनों में आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है कि भाई सेपरेट डिस्क्लोज करना है अंडरस्टूड और नॉट इट मे बी मैं इट इज एन एक्सपेंस अराइजिंग फ्रॉम द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हाँ. अब क्या एक और सवाल क्या ये एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम हो सकता है कि ऑर्डनरी हो सकता है क्योंकि ये तो बिलिंग हो रही है हमें फ्यूल की बिलिंग हो रही है तो ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ऑल दो एबनॉर्मल इन अमाउंट और इनफ्रीक्वेंट इन अकरेंस सच एज एक्सपेंस नॉट क्वालिफाई एज एक्सट्रॉर्डनरी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट पावर बिल इज अकाउंटेड फॉर प्रोविजनल रेट बिल्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फाइनल एडजस्टमेंट दियर ऑफ

हमारी ये अकाउंटिंग पॉलिसी है कि जब तक फाइनल बिल नहीं आ, आ जाता तब तब हम क्या करते हैं प्रोविजनल रेट्स पर इसकी बिलिंग करते हैं प्रोविजनल रेट्स पर अकाउंटिंग करते हैं और जब फाइनल बिल आ जाता है तो हम एडजस्टमेंट करते हैं ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी अंडरस्टूड और नॉट तो इस आंसर में इसने तीन बताई चीजें पहला कि ये प्रायर पीरियड आइटम नहीं है सॉरी है इसका सेपरेट डिस्क्लोजर होगा सेपरेट डिस्क्लोज करने के दो तरीके या तो आप नॉर्मली इसको में सेपरेट दिखाओ या तो अल्टरनेटिवली पहले आप करंट ईयर का प्रॉफिट निकालने के बाद ऑर्डिनरी एक्टिविटी का आइटम है और तीसरा कह रहा है कि बिलिंग आपकी सालों बाद होती है बाद में आप एडजस्टमेंट करते हो इनिशियली आप एस्टिमेट बेसिस पे अकाउंटिंग करते हो तो ये आपकी एक अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकती है आप इसको एज अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज कर सकते हो कि हम प्रोविजनल बेसिस पे ही अकाउंटिंग कर रहे हैं फाइनल बिल जब तक नहीं आएगा तब तक हम प्रोविजनल बिल बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं अंडरस्टूड नॉट क्लियर हुआ इसको यार एग्जाम के लिए कर दो इसको एग्जाम के लिए टिक लगा दो Next question next question during the year eleven twelve a medium size

हाँ, पर साथ साथ हम ये बोलेंगे कि ये एक्स्ट्राडिनरी आइटम ये एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी का ही पॉइंट है ठीक है पढ़िए आंसर पढ़िए

Separately disclosed under the head, Kaun sa head Exceptional items in Pindle. एक्सेप्शनल आइटम में आप इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे समझ आया नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था एसी का पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए साइन एन एग्रीमेंट विद्लॉज यूनियन फॉर द रिविजन ऑफ वेजेस इन जुलाई दो हजार बीस जुलाई 2020 हजार बीस में एक एग्रीमेंट साइन हुआ यूनियन के साथ कि हम आपका वेजेस इंक्रीज कर रहे हैं द वेज रिविजन इज विध रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम एक चार पद ओ भाई कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ 2020 में 2020 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम तुम्हारा वेज रिविजन करेंगे वेज रिविजन कब से होगा वेज रिविजन कब से होगा 2015 से 2015 से रिट्रोस्पेक्टिवली होगा द रिविजन आरियर ऑफ वेजेस

सॉरी सेवन करंट ईयर और एटी एक चार पंद्रह से थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी तक का आ? और मैं ओवरऑल कितना पे कर रहा हूं तो सवाल ये उठता है क्या मैं इस एटी को प्रायत्र आइटम मानू यस yes. नो no. क्या कोई एरर या ओमिशन है क्या टू उठ एक मिनट उठ चक्कर लगा क्या हुआ पूरा इसी रूम में थोड़ा तेज हाँ हाँ चल जल्दी हाँ वापस अब बीच में से आ अब पानी पी ले अब ध्यान लगेगा तेरा चलो बताओ एटी प्रायर पीरियड आइटम मानू कि नहीं द आंसर इज नहीं क्यों प्रायर पीरियड के लिए एरर और ओमिशन का होना जरूरी है यहां पर कोई एरर ओमिशन है तो मुझे दिखा दो दू। डोंट लो कोई एरर ओमिशन सर वो पिछले साल का आइटम है ना पिछले साल के आइटम से क्या होता एरर ओमिशन है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है आ? भाई साहब ये एरर ओमिशन नहीं है यहां पर एंटिटी ने इंटेंशनली एग्रीमेंट करके वेजेस में रिविजन किया है तो ये प्रायर पीरियड आइटम नहीं हुआ तो ये कौन सा आइटम हुआ एस्टिमेट पॉलिसी Wages का रिवीजन किया पेमेंट मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं ये पॉलिसी थोड़ी है ये अकाउंटिंग पॉलिसी का अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रीटमेंट कैसे करना है अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रीटमेंट कैसे करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन कैसे करना है मैं आपको ज्यादा पैसे दे रहा हूं ये मेरी बिजनेस पॉलिसी होगी ना अकाउंटिंग पॉलिसी थोड़ी होगी एस फाइव में कौन कौन सी तुमने बड़ी बड़ी चीजें पढ़ी है? तुमने ऑर्डनरी एक्टिविटी के बारे में पढ़ा है एक्सेप्शनल आइटम्स के बारे में पढ़ा है एक्स्ट्रो आइटम्स प्रायर पीरियड आइटम्स चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी लगा के देखो ना सब चीजें क्या लग रही हैं प्रायर पीरियड आइटम नहीं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बिल्कुल नहीं चेंज इन एस्टिमेट नहीं एस्टिमेट भी नहीं नहीं एस्टिमेट भी नहीं एक्स्ट्रो आइटम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम देखो डेफिनेशन क्या है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की चार कंडीशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बिल्कुल क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी का है ये मैं सैलरी में रिवीजन कर रहा हूं ये तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी तो क्या हुआ ये दिस इज एन आइटम फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी बट एक्सेप्शनली टू बी डिस्कलोज नेचर एंड अमाउंट ऑफ सच आइटम शुड बी सेपरेटली डिस्कलोज अब अपन यहां पर आगे बोलेंगे टू बी डिस्कलोज सेपरेटली इन द एक्सेप्शनल आइटम हेडिंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ? तो कौन सी चीज फॉलो हो रही है यहां पर ऑर्डनरी एक्टिविटी फॉलो हो रही है बट ऑर्डनरी एक्टिविटी का एक्सेप्शनल आइटम फॉलो रहा है आ रहा है समझ में नहीं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं आएगा रिट्रोस्पेक्टिव मैं आपकी सैलरी इंक्रीज कर रहा हूं मैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट थोड़ी दे रहा हूं मैं आपकी सैलरी को रिट्रोस्पेक्टिवली पिछले पांच साल से आपको वापस से सैलरी बढ़ा के दूंगा इट इज नॉट अकाउंटिंग पॉलिसी इट इज बिजनेस पॉलिसी आपकी सैलरी मैंने बढ़ा दी इट इज माई बिजनेस पॉलिसी इट इज नॉट अकाउंट तुम समझते क्या हो अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी जहां पर अकाउंट्स में मैं चेंजेस करूं अकाउंट्स में ट्रीटमेंट में बदलाव करूं मैंने सैलरी बढ़ा दी तो मैंने ट्रीटमेंट कहा चेंज किया सैलरी बढ़ा दी ना मैंने ऐसे होगा कि उसका साइज डिफरेंट है ना मैंने अरियर दिया है अस्सी लाख रुपए का आरियर दिया है करंट ईयर मैं एटी सेवन लाख रुपीज का अरियर बांट रहा हूं पिछले पांच सालों का ये एक्सेप्शनल नहीं लग रहा आपको एटी सेवन लाख रुपीज का कंपनी खर्चा कर रही है अस्सी लाख रुपए कंपनी एक्स्ट्रा दे रही है पुराने पांच साल का जिसको मैं प्रायर पीरियड नहीं बोल रहा हूं एक्स्ट्रा नहीं, नहीं बोल रहा हूं क्या मैं इसको मिसलेनियस में डाल दू सेपरेट दिखाना जरूरी है कि नहीं तो क्या बोलेंगे एक्सेप्शनल आइटम हुआ ना क्या बात करते हो यार और जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है क्योंकि तो रिट्रोस्पेक्टिवली सैलरी को हाइक सैलरी को हाइक करना अकाउंटिंग पॉलिसी कब से हो गई रे ये तो बिजनेस पॉलिसी होती है ना यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस एंड अकाउंट्स बिजनेस पॉलिसी एंड अकाउंटिंग पॉलिसी सी मैं कितने इंप्लॉय हायर करूंगा मैं कितने इंप्लॉय रखूंगा मैं इंप्लॉय को कितनी सैलरी दूंगा ये अकाउंटिंग पॉलिसी है कि बिजनेस पॉलिसी बिजनेस पॉलिसी उसको जो सैलरी दूंगा उस सैलरी की अकाउंटिंग कैसे करूंगा ये बिजनेस पॉलिसी की अकाउंटिंग पॉलिसी होगी सो इसलिए प्लीज ट्राई टू डिफरेंशिएट व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी व्हाट इज बिजनेस पॉलिसी अकाउंटिंग पॉलिसी में आपके ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं अकाउंट्स के आपके प्रेजेंटेशन आ जाते हैं बट आप डीलिंग क्या कर रहे हो सैलरी के साथ एम्प्लॉय uh, के साथ वो आपकी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे हो गई वो तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना समझेगी नहीं आंसर पढ़ लिया आपने आंसर में आपको यह भी बताना पड़ेगा कि ये प्रायर पीरियड आइटम नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें कोई भी एरर ओमिशन इन्वॉल्व नहीं है इंटेंशनली कॉन्ट्रैक्ट कर कर हमने सैलरी में रिवीजन किया है वेज रिवीजन किया है पढ़िए आंसर करण पढ़ाई पर ध्यान दो मतलब तुम तुम्हारे मन में वापस कुछ कुछ चल रहा है हंड्रेड परसेंट ध्यान नहीं दे रहे हो बोल रहा है ना कैन नॉट बी टेकन एज एरर और ओमिशन कैन नॉट बी टेकन एज प्रायर पीरियड आइटम उसने बता दिया कि भैया प्रायर पीरियड आइटम तो नहीं हो सकता क्यों ओमिशन नहीं है ओमिशन क्यों नहीं है आप वर्ड लिख सकते हो इंटेंशनली चेंज इन सैलरी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू चेंज इन सैलरी दिस इज नॉट भाई कॉन्ट्रैक्ट करना सैलरी में बदलाव के लिए क्या इसको एरर बोलोगे क्या एरर बोलोगे क्या एम्प्लॉय यूनियन ने बोल दिया हमारी सैलरी बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो ठीक है बढ़ा देते तो क्या ये एरर हो गया क्या कि पहले हमने एरर कम रखी थी अब बढ़ा देते ये एरर नहीं है बेटा ये तो कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव है आएंगे दोनों करंट ईयर में पर उसमें से एटी लैख एक्सेप्शनल में दिखेगा सेवन लैख नॉर्मली आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिखेगा एडिशनल वेजेस इज एन एक्सपेंस अराइजिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी सच एक्सपेंस डज नॉट क्वालिफाई एज एन एक्सट्रॉर्डनरी आइटम इसको आप एक्सट्रॉर्डनरी भी नहीं बोलोगे क्यों एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं बोलोगे क्यों Extraordinary में चार डेफिनेशन में चार पॉइंट आते हैं इनकम एक्सपेंस इवेंट और ट्रांजेक्शन तो सैलरी दे रहे हैं ना सैलरी ऑर्डनरी एक्टिविटी होती है However, when the, ये ये वाला प्रोविजन आ गया वेन द आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस विद इन प्रॉफिट लॉस फ्रॉम ऑर्डनरी एक्टिविटी आर ऑफ सच साइज नेचर इंसिडेंस दैट दियर डिस्कलोजर इज रेलोवेंट टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस नेचर एंड अमाउंट ऑफ सच आइटम शुड बी डिस्प्लेज सेपरेटली ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है द वेज इज पेबल एटी लैक्स शेल नॉट बी ट्रीटेड एज प्राडर एज देर इज नो मिस्टेक ठीक है सो दिस इज एन आइटम ऑफ ऑर्डन एक्टिविटी अफकोर्स टू बी डिस्कलोज लास्ट में देखो क्या बोल दिया टू बी सेपरेटली ऑब्वियसली हम इसको आप लिख सकते हो अंडर किधर दिखाओगे आप इसको एक्सेप्शनल आइटम हेडिंग ठीक है लिख लो अंडर एक्सेप्शनल आइटम्स ए एस फाइव अगर आपको अच्छे से आंसर करना है ना तो ए एस फाइव का ट्रंप बुक का पहला पेज में जाओ उसमें वो वाली पॉइंट वो साइज और नेचर वाली पॉइंट है साइज और नेचर वाला पैराग्राफ है उसको फाइव स्टार कर दो कि ये तो मुझे रटके जाना है ये वाला ये जो ये जो स्टेटमेंट है ये मुझे रटके जाना है मैं आपको फाइव स्टार वाले कुछ पैराग्राफ नोट करवा रहा हूं जो आपको एग्जाम से पहले रट रट के जाना है समझ के तो जाओगे ही जाओगे पर रट के जाना है क्योंकि मुझे एज इट इज लिख के आने तो एक तो ये फाइव स्टार पॉइंट है दूसरा एक्स्ट्रोर्डनरी के चार कंडीशन एक्स्ट्रोर्डनरी आइटम के वो चार कंडीशन थी क्या फाइव स्टार रट के जाना है मुझे क्योंकि जब केस स्टडी तुम्हारे सामने आएगी ना अरे भाई मतलब तुम लोग बोलेगा क्या आंसर करूं यार मतलब क्या हो रहा है समझ में आ रहा है कि एस के अकॉर्डिंग आंसर करना है पर एस में ही साला इतनी सारी चीजें थी कि ऑर्डनरी है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है प्रायर पीरियड आइटम है एक्सेप्शन क्या करूं तो सामने हर बार तो मैं बोलूंगा तुम बोलोगे ठीक है भाई रिलैक्स अपने आप रिलैक्स एक काम करता हूं

फाइव स्टार मतलब आपको यह याद करके जाना ही पड़ेगा समझेगी नहीं मेजरली ये तीन चीजें हैं क्लियर जब तुम्हारे सामने केस स्टडी आएगी तुम्हें इतना समझ में आएगा कि एस फाइव लग तो रहा है पर चला एस फाइव में प्रायर फेड़ का आंसर रखू कि एक्सट्रॉर्डिनरी का रखू एक्स्ट्रॉर्डनरी का रखो एक्टिविटी का रखू ऑर्डनरी एक्टिविटी में भी आइटम नहीं बोलू कभी कभार चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रखूगी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट रखू समझ में आया नहीं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का जो मैंने अभी वो बनवाया था क्या फ्लो क्या फ्लो था एक्यूरेसी नहीं है तो एस्टीमेट कर लो एस्टीमेट के लिए जजमेंट्स चाहिए जजमेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए आगे फिर लिखवाया था कि एस्टीमेट बदल भी सकते हैं चेंजेस इन सरकम या न्यू इंफॉर्मेशन तो उसको भी फाइव स्टार कर दो क्वेश्चन टू हो गया क्वेश्चन Question... क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन थ्री करण क्वेश्चन थ्री पढ़ो हाँ पढ़ो एक सेकेंड इन्वेंट्री शीट क्या होती है स्टॉक शीट स्टॉक जिसमें हर एक स्टॉक का आइटम और उसकी क्वांटिटी और उसकी वैल्यू कि इकतीस मार्च को मेरे पास ये आइटम नंबर ए कितने रखे थे कितनी वैल्यू के स्टॉक शीट ठीक है हाँ तो भाई, ये शीट मान लो, पचास पेजेस की होगी उसमें दो पेजेस गायब हो गए दो पेजेस गायब हो गए पहली बात तो ये क्वेश्चन का रेलेवेंस आज के जमाने में हो ही नहीं सकता आज के ऑनलाइन सिस्टम पे यार अमृतिक सिस्टम पुराने जमाने की बात कर रहा है दो पेजेस वो मैनुअल वो हाँ लिखा वो गायब हो गए पर ठीक है कोई बात नहीं तो दो पेजेस गायब हो गए हाँ हाँ बैठ जाओ यार स्टॉक शीट में से दो पेज का गायब होना उन दो पेजेस के अंदर चौदह लाख की इन्वेंट्री का गायब होना मतलब कहीं ना कहीं मैंने गलती से इन्वेंट्री की वैल्यू गलत बुक कर ली होगी हाँ बाद में मालूम पड़ा तो ये क्या हुआ एरर तो सिंपल लग रहा है यार बहुत ही क्या करोगे इसको आइटम्स क्या करोगे सेपरेट डिस्कलोजर uh, क्या रिट्रोस्पेक्टिव चेंज दोगे नहीं अंडरस्टूड आंसर पढ़ लीजिए पढ़ लिया क्या बोल रहा है प्राइवेट आइटम ये हाँ मतलब वही है ना प्राइवेट आइटम ही हो ना चलो क्वेश्चन नंबर फोर पढ़िए एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग विल कंस्टिट्यूट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी सीधा आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा है कि ये दोनों चीजें अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस हुए कि नहीं पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुअटी स्कीम बाय द एम्प्लॉयर इन प्लेस ऑफ पेमेंट्स टू द ऑन रिटायरमेंट। के लिए मैंने एक्सग्रीशिया पेमेंट्स को हटाकर बोल दिया कि अब मैं तुम्हें ग्रेचुअटी दूंगा पहले मैं उनको एक्सग्रीशिया देता था सर, क्या होता है सैलरी के वो इनकम टैक्स में नहीं पड़ा क्या ग्रेचुटी तो एक रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान होता है है ना उसी टाइप का एक एक्सग्रीशिया पेमेंट्स होते हैं एक्सग्रीशिया पेमेंट्स में क्या होता है जनरली एक्सग्रीशिया तब दिया जाता है जब किसी एम्प्लॉय की डेथ होती है ना तो उनको एक लमसम पे किया जाता है अंडरस्टुड वो तो लीव इनकैशमेंट होता है एनीवेज दोनों अपनी अपनी जगह पे अलग अलग रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं एंट्री बोलती है आज के बाद हम अपने एम्प्लॉय को एस पेमेंट नहीं देंगे अब उल्टा इसकी जगह पे क्या देंगे तो ये चेंज किया ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है कि चेंज इन बिजनेस पॉलिसी पॉलिसी है अकाउंटिंग तो तब होती है जब तुम अकाउंट्स के ट्रीटमेंट में बदलाव करते हो इंप्लॉय को पे करने का तरीका तुमने बदल दिया तुम्हारी अकाउंटिंग पॉलिसी कहां से होगी यार समझ में आएगी नहीं आंसर पढ़ लो ऊपर पहले डेफिनेशन क्या है एज पर एस फाइ नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड प्राइवेट पॉलिसी द एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट्स और ट्रांजेक्शन दैट डेफर इन सबस्टेंस फ्रॉम प्रीवियसली अकरिंग इवेंट्स और ट्रांजेक्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग पॉलिसी तो पहला वाला पॉइंट क्या बोल रहा है अकॉर्डिंगली

ये तो बिजनेस पॉलिसी का इफेक्ट है तो अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होगी तो दोनों के दोनों अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है बोलिए बेटा मोर ओवर इस टाइप का लिखना होता है नॉट वैसे तरीके आप एग्जैक्ट वैसे लिख के आओ मोर ओवर इस टाइप का लिखना होता है ठीक है आप अपने हिसाब से उसमें हल्का फुल्का चेंज कर सकते क्वेश्चन नंबर फाइव हो गया चालू करूं क्वेश्चन नंबर फाइव हो गया हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव एस फाइव डन बोलिए बेटा पक्का मजा आ गया कितने एस हो गए हमारे हाँ? दो एएस हो गए हमारे हाँ अब सुनो ध्यान से मेरी बात हमारे दो एएस एस हो गए है ना आपको जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है वो क्वेश्चन बैंक कंपाइलर है मैं कर नहीं रहा हूं मिला होगा वो ओरिजिनली वो कलर्ड मिला होगा डोंट वरी तो कंपाइलर में सिर्फ बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए आपकी इंफॉर्मेशन के लिए और उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को एक्स्ट्रा मेहनत करना पसंद है और जिन्होंने अपने माइंड में बना दिया है कि कोचिंग क्लास से सिर्फ कुछ नहीं हो सकता एक्स्ट्रा मुझे खुद की मेहनत करनी पड़ेगी तो उन बच्चों के लिए बाकी बच्चे आप चाहो तो ब्रेक लेके बाहर जाओ है ना हाँ अपने आपके गिरे भान में गिल्ट करके और नहीं 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 ऐसे मैं 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 सर मैं? <laughs> तो एस फोर में आपके पास तेरह क्वेश्चन है ठीक आर टीपी के क्वेश्चन हैं एम के भी हैं पास्ट एग्जाम से भी हैं हमने किस तरीके से डिजाइन किया है सबसे पहले आपके सामने आर के सारे क्वेश्चन का हुआ 19, अब आप बोलोगे सर बीच में नवंबर 18 कहां गया जहां जहां क्वेश्चन रिपीट हुए रिपीटेशन हुआ हमने उस क्वेश्चन को यहां नहीं डाला है मैं है मैं क्यों ही डालू वैसे ही तुम्हारी जो तुम्हें जो बुक मिली है वो कितनी मोटी है रिपीटेशन में डालते तो और बढ़ जाते हैं सौ पेजेस तो ये इस सेंस में है ठीक है ना ध्यान रखिएगा अच्छा एम क्वेश्चंस क्वेश्चन हुए क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट एग्जाम हुए ए एस फोर में नवंबर एटीन में आया था मे नाइनटीन में आया था जुलाई ट्वेंटी वन में आया था तीन बार क्वेश्चन आया है ए एस फोर से आप अपना इसमें एनालिसिस भी कर सकते हो कंपाइलर के हर चैप्टर के बाद आप पेन से अपना एनालिसिस कर लेना कि इस टॉपिक से आज तक कितनी-कितनी बार आया है तो आपको समझ में आ जाएगी सिचुएशन कि हाँ यार इसका रेलेवेंस कितना है समझ में आ रहा है कि नहीं सर वो भी आप करके दे देते सारी मेहनत अगर टीचर करवा ले बच्चा ना करे तो क्या मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ओल्ड कोर्स मॉड्यूल जहां-जहां मुझे लगा ओल्ड कोर्स मॉड्यूल से मुझे कुछ क्वेश्चन उठाना चाहिए मैंने वो भी लिया एस फाइव में कितने क्वेश्चन है नाइन और उधर कितने थे तेरह कितने हो गए टोटल तेरह और नौ बाईस आपके पास बाईस क्वेश्चन का टारगेट है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ही करेंगे मैं कभी नहीं करवाऊंगा मैंने बोला हुआ है एक बार सिलेबस खत्म हो जाए मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिस सेशन में करवाऊं कंपाइलर पर आप भी समझ सकते हो कि 100 परसेंट तो पॉसिबल नहीं है so to कि तेरा के तेरा तेरा में से पांच क्वेश्चन निपटा दो आई एम कि नौ में से तीन चार क्वेश्चन निपटा दो यार आपको एक फील गुड होगा कि हाँ यार मैं एक्स्ट्रा मेहनत अपने बेसिस पे कर रहा हूं बट उसके लिए फिर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए एक्स्ट्रा मेहनत चाहिए घर पे जल्दी पहुंचना पड़ेगा जल्दी जल्दी उसके लिए छोड़ना पड़ेगा सर को है ना है ना? अब क्या करें? आप ही सर छोड़ते हो जल्दी एनीवेज एस फाइव में एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि इसमें से पास एग्जाम में से आया है कि नहीं आया है हाँ भाई कब आया है बताओ डायरेक्ट जनवरी 2021 में आया था इससे पहले कभी आया ही नहीं था मई 18 से लेकर मई 18 से लेकर क्योंकि न्यू कोर्स मई 18 से शुरू हुआ था जनवरी 21 में आया बस AS5 से एक ही क्वेश्चन आया है जनवरी 21 में और क्वेश्चन को पढ़ो क्वेश्चन भी क्या आया है पढ़ो ध्यान से वो आपके सामने 10 आइटम की लिस्ट रख रहा है और बोल रहा है बताओ कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगा कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होगा कि ऑक्सटर्डिनरी आइटम होगा कि प्रायपर आइटम होगा कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी होगा बस आपको क्लासिफाई करना है ये तो आसान क्वेश्चन है क्लासिफाई करना आसान होता है केस स्टडी से बजाय केस स्टडी में लिखना पड़ता है बहुत कुछ ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया अरे क्या यार कायदे से मेरे एग्जाम में आना चाहिए था ये घर जाके सॉल्व करना अभी सॉल्व न करना घर जाके सॉल्व करना सिर्फ दिखा रहा हूं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे टॉपिक के साथ दो एस हो चुके हैं ऑल राइट अब हम शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक और हमारे नए टॉपिक का नाम क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और वो टॉपिक शुरू करने से पहले ब्रेक ऑल राइट एक लेते हैं ब्रेक छोटा सा और ब्रेक के बाद

मैं ये टॉपिक खत्म करूं क्योंकि ये टॉपिक छोटा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन छोटा है क्यों क्योंकि आज का दिन जितना भी कल नहीं, परसों के दो क्लासेस क्लासेस और फिर तारीख की तीन में आपने अपना मेल चेक किया मेल इनबॉक्स चेक किया वी स्मार्ट से कोई मेल आया देखना पड़ेगा मेल चेक करिएगा वी स्मार्ट से मेल आया होगा जिनके रजिस्ट्रेशन हुए बैकअप के लिए सीरियल की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तो आपको वो मेल आ गया है बैक, आपको वी स्मार्ट वेबसाइट पर जाके स्टूडेंट लॉग इन, इन में आपका रजिस्ट्रेशन करना है लॉग इन के अंदर आपको बैकअप के लिए सीरियल की मिल जाएगी उसमें मतलब कभी मान लो कोई छुट्टी हो गई कोई क्लास छूट गई क्योंकि आज की क्लास इज द लास्ट क्लास इन यूट्यूब इसके बाद क्लास यूट्यूब पे होगी नहीं तुम तो फेस टू फेस वाले हो पर अगर तुमसे भी मान लो कभी छुट्टी हो गई तो क्या करेंगे भैया ऐसे केस में तुम मेरे पास मत आना कि सर अलग से पढ़ा दो तुम्हारे पास रहेगा बैकअप बैकअप के लिए तुम्हें चाहिए सॉफ्टवेयर और सीरियल की सॉफ्टवेयर और सीरियल की तुम्हारे लॉगिन के अंदर है लॉगिन के लिए तुम्हें आया है मेल की रजिस्ट्रेशन करो आया है लैपटॉप पे करो वो सब मोबाइल पे मत करो लैपटॉप पे करो मोबाइल पे मत करो. तो वो आज तो छुट्टी है स्टाफ की है ना आज एक तारीख है एक तारीख को तो छुट्टियां ही होती है ना भाई कोई आता थोड़ी है तो आज तो छुट्टी है कल आना है ना कल आएंगे वो लोग कल से काम होता है पढ़ाई होती है पहली तारीख को कुछ नहीं होता है पहली तारीख को एंजॉयमेंट होता है तो आज आ गए बस मुंह उठा के पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो हाँ बस YouTube बंद करना था क्या क्यों नहीं कोई बात नहीं ना सुनने कल भी नहीं आएंगे बताओ तो जिन, -जिन को नहीं आया है मेल आप स्टाफ से बात कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन क्यों दिया गया है आपका रजिस्ट्रेशन आप कर लो आपको खुद को लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा शायद आपका लॉगिन भी मेल आईडी आपकी लॉगिन होती है पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा आई होप पहले भी किया हुआ है तो देख लेना सेम है मेल आईडी है तो वो नीचे जाके पूछ लेना तुम लोग कैसा क्या है कुल लगा सीरियल की और वो बैकअप बैकअप और वो उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह सब रहेगा पौसिबल है ना पॉसिबल है पॉसिबल है स्विच करने की पॉसिबिलिटी होती है लॉग इन लॉगआउट का सर्विस है आपको लॉग फोन से सबसे पहले लॉग आउट करना पड़ेगा आप बिना लॉग आउट लॉग आउट करें आप डायरेक्टली उधर इंस्टॉल करोगे तो नहीं होगा आपको लॉग आउट करना पड़ेगा चलो टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक ब्रेक के बाद मिलते हैं थैंक यू कुछ और कुछ ओके करें शुरू ऑल राइट Welcome back after the break. हम AS से वापस शिफ्ट हो चुके हैं chapters. अभी तक का शेड्यूल थ्री कि और दो ए एस हुए हैं ए एस फोर ए एस फाइव हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ए एस की बुक में मत करना इसको नया टॉपिक कर रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यस, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये चैप्टर का वेटेज अगर ये चैप्टर आया तो ये टेन टू फिफ्टीन मार्क्स का आएगा दो चैप्टर्स होते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज दोनों में से कोई एक से आता है क्वेश्चन आमतौर पर यह देखा गया है कि या तो इंस्टीट्यूट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से पूछेगा या तो इंस्टीट्यूट अमेलगमेशन से पूछेगा कभी कभार तो एक ट्रेंड बन जाता है या बच्चे उसको ट्रेंड बना लेते हैं कि सर पिछली बार इंटरनल आया तो इस बार अमेल आएगा पिछली बार अमेल आया तो इस बार इंटरनल आएगा कभी कभार ऐसा हो जाता है और कभी कभार लगातार दो दो तीन तीन बार अमेलमेशन आ जाता है है ना तो कुछ कह नहीं सकते हाँ ये कह सकते हैं कि अगर इस चैप्टर से आया से अगर करें, तो इस चैप्टर से आया तो आपका टाइम भी सेव होगा एग्जाम में और ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे इस चैप्टर में इजी दोनों चैप्टर्स हैं ज्यादा इजी ये वाला है ठीक है ना उसमें थोड़ी सी टेक्निक टेक्निकलिटीज ज्यादा है ऑल राइट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जब एक कंपनी लॉस मेकिंग है उसका बिजनेस उस, उसके बिजनेस में उसको लॉसेस हो रहे हैं तो आपको क्या लगता है लॉस मेकिंग कंपनीज क्या गोइंग कंसर्न तक अपना बिजनेस चला पाती हैं हां आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन प्लीज टेल मी लॉस मेकिंग कंपनीज क्या लंबे समय तक अपना बिजनेस चला पाती हैं नहीं जनरल सेंस बोल रहा हूं लॉस मेकिंग कंपनीज अपना बिजनेस लॉन्ग लॉन्ग टर्म बेसिस पर नहीं चला सकती दूसरी बात लॉस मेकिंग कंपनी आगे लॉसेज अगर बढ़ते जाएंगे तो इससे आपको नहीं लगता कि लॉसेज बढ़ने से कंपनी के असेट्स गिरेंगे और लाइबिलिटीज बढ़ेंगे एक अच्छी कंपनी एक आइडियल कंपनी की पहचान क्या है सिंपल जहां असेट्स ज्यादा हो और लाइबिलिटीज कम। ताकि कल को अगर कंपनी को लिक्विडेट किया जाए तो वो असेट रियलाइज करके लाइब्रेटीज को सेल लाइब्रेट को आराम से सेटल कर दिया जाए और रिमेनिंग जो पैसा बचे वो शेयर होल्डर्स बांट लें बट यही अगर सिचुएशन उल्टी हो जाए तो लाइबिलिटीज ज्यादा हैं और असेट्स कम है मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा उल्टी हो जाए तो लाइबिलिटीज ज्यादा और असेट्स कम तो इसका मतलब क्या आता है ना सामने कि अगर एसेट को बेचा जाएगा तो लाइबिलिटीज के लिए सफिशियंट पैसा नहीं है और लाइबिलिटीज के लिए सफिशियंट पैसा नहीं है तो बेचारे शेयर होल्डर्स की तो बात ही मत करो क्योंकि लाइबिलिटीज पे होने के बाद ही किसको पे किया जाता है शेयर होल्डर्स को उल्टा शेयर होल्डर से हो सकता है उल्टा पैसे एक्स्ट्रा बुलवाए जाएं क्योंकि हमें लाइब्रिटीज को रीपे करना है बात समझ में आ रही कि नहीं सो हेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज लॉस मेकिंग कंपनी जहां assets की वैल्यूज कम है और लाइबिलिटीज की वैल्यूज ज्यादा है और ऐसी कंपनीज जिनकी असेट्स की वैल्यूज कम है लाइबिलिटीज की वैल्यू ज्यादा है दे आर लॉस मेकिंग कंपनी अगर वो कुछ ऐसा प्रोसीजर एडॉप्ट करें जिससे वापस से उनका बिजनेस रिवाइव हो सकता है वापस से वो एक नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जा सके उस प्रोसीजर को कहा जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सिंपल सी लैंग्वेज में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब एक ऐसी स्कीम को एडॉप्ट करना एक लॉस मेकिंग कंपनी के द्वारा जिस स्कीम को एडॉप्ट करके वो लॉस मेकिंग कंपनी अपना फ्यूचर सेव कर सकती है और आगे बिजनेस कैरी ऑन कर सकती है विद द असेट्स दे हैव एंड विद द लो लाइबिलिटीज। अगर वो स्कीम को एडॉप्ट नहीं किया तो ये कंपनी का बंद होना तय है वो स्कीम एडॉप्ट करना कैन से दैट इट इज अ लास्ट लास्ट क्या बोलेंगे अपन उसको लास्ट स्टेज अंडरस्टूड और नॉट दैट स्कीम इज नोन एज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन व्हाट डू यू मीन बाय रिकंस्ट्रक्शन सिंपल लैंग्वेज क्या होता है कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कुछ नया बनाना रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है उसी पुरानी चीज को तोड़ के वापस से उसको खड़ा करना कंपनी जब न्यू बनती है तो उसको क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी और कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी के को फिर से खड़ा किया जा रहा है अच्छे से सारी बात समझ में कि नहीं रिकंस्ट्रक्शन मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी में कुछ ऐसे इंटरनल चेंजेस करना जिससे वो कंपनी वापस से स्मूथ ऑपरेशन कंडक्ट कर सके। आज कंपनी की ऐसी स्थिति है कि कंपनी स्मूथ ऑपरेशन कंडक्ट नहीं कर पा रही है कंपनी के क्रेडिटर्स कंपनी के लोन प्रोवाइडर्स कंपनी के पीछे पड़े हुए हैं और अपना पैसा निकलवाना चाहते हैं किसी भी तरीके से और कंपनी का मानना है कि किसी भी तरीके से हम उनको रिटेन करें और अपने बिजनेस को कैरी ऑन करें ऐसे केस में कंपनी क्या करेगी कंपनी सबसे पहले एक रिजोल्यूशन पास करेगी कि हम रिकंस्ट्रक्शन करें क्या वो रिजोल्यूशन पास करके कंपनी ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल सुनो हा एनसीएलटी कंपनी लॉ में सुना होगा ना कंपनी ट्रिब्यूनल में जाके परमिशन लेगी कि हमें परमिट करिए कि हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम लगाएं सुनिएगा मेरी बात ध्यान से कंपनी ट्रिब्यूनल में जाके उनसे परमिशन लेगी कि हमें बता हमें परमिट करिए कि हम इंटरनल रीकंस्ट्रक्शन लगाएं ट्रिब्यूनल बोलेगा कि ऐसे कैसे परमिट कर लें आप पहले अपनी स्कीम हमारे सामने रखिए देखें तो सही क्या है स्कीम में क्या करना चाहते हो तुम तो इंटरनल रीकंस्ट्रक्शन के दौरान तो कंपनी अपनी स्कीम सामने रख रही है और कंपनी अपनी स्कीम में बता रही है कि देखिए सर हम कुछ समझौते करना चाहते हैं क्रेडिटर्स के साथ लोन प्रोवाइडर्स के साथ डिवेंचर होल्डर्स के साथ हम कुछ समझौते करना चाहते हैं और हमारी उन लोगों से बात चल रही है हमारी उन लोगों से बात हो भी चुकी है क्या समझौते समझौते कुछ ऐसे कि कुछ वो लोग हमें कंसेशन देने को तैयार हैं वो लोग थोड़ा बहुत कुछ झुकने को तैयार हैं अरे सीधी बात है यार मैं अगर तुम्हें बोल दूं कि यार तुम्हारा पैसा मेरे पास रखा है ठीक है ना और तुम मेरे पीछे पड़े हो सर पैसे दे दो बहुत टाइम से है ना मेरी कंपनी लॉस मेकिंग है और मैं तुम्हें बोल दूं कि मैं नहीं दूंगा या मैं ये बोलूं कि यार ना से कुछ तो बेटर चलो एक काम करते हैं मैं तो वैसे देने की हालत खराब है या मेरे साथ एक समझौता कर लो कि तुम ने जो मुझे लोन दिया है उसका तुम मुझे सिक्सटी परसेंट फोर्टी परसेंट माफ करने को तैयार हो वेव ऑफ करने को तैयार हो मैं तो तुम्हें दो ऑप्शन है तुम्हारे पास या तो नहीं दूंगा ठीक है जाए तो जाए कंपनी बंद हो तो बंद हो फिर जो होगा फिर कोर्ट देखेगी या तो बोलो तो फोर्टी परसेंट मुझे तुम वेव ऑफ कर दो सीधा सच्चा साठ परसेंट ले लो तो कुछ लोग एग्री भी होंगे कुछ लोग बोलेंगे यार ठीक है यार ना से कुछ तो अच्छा, अच्छा। अंडरस्टूड नॉट कुछ लोग एग्री नहीं भी होंगे अगर मैक्सिमम लोग एग्री होते हैं तो ही कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम चला पाएगी अंडरस्टूड और नॉट उस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम में मैक्सिमम बातें क्या लिखी होती है कि किस तरीके से क्रेडिटर्स लोन प्रोवाइडर्स डिवेंचर होल्डर्स शेयर होल्डर्स के साथ समझौते किए गए हैं कौन कौन कितना कितना पैसा वेव ऑफ करने को तैयार है हो सकता है क्रेडिटर्स ने बोल दिया कि मैं थर्टी परसेंट वेव ऑफ करने को तैयार हूं होल्डर्स ने बोल दिया कि मेरे पूरे डिवेंचर में वेव ऑफ करने को तैयार हूं उसके बदले मुझे इक्विटी शेयर दे दो मैंने ठीक है होल्डर कह रहा है कि मुझे ओनर बना दो लोन प्रोवाइडर्स ने बोल दिया कि हम भी टेन परसेंट वेव ऑफ करने को तैयार है तो ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किताबी की लैंग्वेज में देखा जाए तो बहुत आसान है बट ओरिजिनली इतना आसान नहीं होता इसके लिए परमिशन से पहले कहीं ना कहीं सबकी रजामंदी चाहिए ना कि तुम सब लोग मेरे साथ हो कि नहीं हो तभी तो मुझे कोर्ट अप्रूव करेगा हम इस चैप्टर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो जो समझौते किए गए हैं हर एक पार्टी के साथ उस पार्टी के साथ समझौते के कारण हमें कितना फायदा नुकसान हो रहा है उस फायदे नुकसान की जर्नल एंट्रीज हमें सीखने को मिलेंगी क्या सीखने को मिलेगी जर्नल एंट्रीज जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपका नाम क्या बेटा भावेश भावेश इज माई क्रेडिटर एंड आई ओ थर्टी थाउजेंड रुपीज टू भावेश मुझे भावेश को थर्टी थाउजेंड रुपीज पे करना है अगर मैं ये बोलूं कि भावेश एग्री हो गया है थर्टी थाउजेंड में से टेन थाउजेंड वेव ऑफ करने के लिए कितने टेन थाउजेंड वेव ऑफ करने के लिए इस शर्त पे कि बाकी बीस हजार में भावेश को इमीडिएटली दे दू तो मैं ये कर रहा हूं चलिए बताइए क्या होगी मेरी बुक्स में भावेश नाम का क्रेडिटर दिख रहा है थर्टी थाउजेंड रुपीज का मुझे उसको सेटल करना है जिसमें मैं ट्वेंटी थाउजेंड उसको दे रहा हूं और टेन थाउजेंड खत्म कर रहा हूं मिला के थर्टी थाउजेंड सेटल हो रहे हैं बोलिए एंट्री क्या होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट मतलब अकाउंट डेबिट थर्टी थाउजेंड थर्टी होगा ना मेरा पूरा थर्टी क्रेडिटर खत्म हो है। 20 पे कर रहा हूं, 10 हो है तू? 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 बैंक अरे तुम नाम के पीछे क्यों पड़े हो नेचर ही बोलते तो, तो समझ में आ जाएगा ना नाम तो मैं बता दूंगा ना बाद में तू क्या कुछ भी बोल दो टू गेन टू प्रो क्या इतना नाम के पीछे डेफिशिएंसी रिवेट क्या बोलो ना सीधा सीधा गेन हो रहा है नाम मैं बता दूंगा ना यार तुम लोगों को है? नाम में क्या रखा है नाम कुछ भी हो तू क्या है अल्टीमेटली गेन हुआ नहीं गेन हुआ कि नहीं हुआ अच्छा अब करण मेरा डिबेंचर होल्डर है और करण को मैंने डिबेंचर इशू किए थे टेन परसेंट वाले कितने के फाइव लाख ,00 रुपीस के कितने के उसका टेन परसेंट इंटरेस्ट कितना बनता है मैंने करण को दो साल से इंटरेस्ट भी पे नहीं किया कितना हुआ एक लाख ,00 का इंटरेस्ट और फाइव लाख ,00 का डिबेंचर टोटल सिक्स लाख अब इमेजिन करो मैं जान जानबूझकर नहीं लिखवा रहा हूं इमेजिन करो मेरी बैलेंस शीट में दिख रहा होगा टेन परसेंट डिबेंचर फाइव लैख एंड इंटरेस्ट पेबल वन लैख अरे दिख रहा होगा कि नहीं लाइबिलिटी होगी कि नहीं करण से मेरा समझौता क्या हुआ करण से मेरा समझौता हुआ कि करण इज रेडी टू फॉर गो टू वेव वन लाख रुपीज इंटरेस्ट करण बोल रहा है सर मैं एक लाख रुपए इंटरेस्ट आपसे नहीं मांगता हूं इस शर्त पे कि जो टेन परसेंट डिवेंचर है अगले साल से आप मुझे यह बदलकर फिफ्टीन परसेंट डिवेंचर कर दो कर दो अल्टीमेटली करण बोल रहा है पुराना माफ करने को तैयार हूं आगे से तो मुझे पंद्रह परसेंट ब्याज दोगे ब्याज वो डेढ़ गुना मांग रहा है वो रिकवरिंग कर लेगा आगे चल के फिर से करण एग्री हो गया कि वन लाख रुपीज का इंटरेस्ट वे ऑफ और टेन परसेंट डिवेंचर की जगह पर पंद्रह परसेंट डिवेंचर टेल मी क्या एंट्री करोगे डिवेंचर दस परसेंट खत्म हो रहे हैं इंटरेस्ट खत्म हो रही है नए डिवेंचर आ रहे हैं एक जा रही है तो दूसरी आ रही है <coughs> क्या एंट्री होगी टेन परसेंट डिवेंचर डेबिट डिवेंचर का क्रेडिट बैलेंस होता होगा टेन परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट फाइव लैख इंटरेस्ट पे वाला अकाउंट डेबिट वन लैख 2 15% न्यू डिवेंचर्स कितना 5 लाख 5 लाख क्योंकि वन लाख तो वेव ऑफ हो गया ना टू गेन एक लाख का गेन बोलो और यहां पर करण बोलते दे कि नहीं सर माफ तो कुछ नहीं करूंगा प्रॉब्लम लगा के दे 6 लाख के नए डिवेंचर्स दे दो फिर सिक्स लाख के नए डिवेंचर्स दे दो मैं माफ कुछ नहीं करूंगा बोलो गेन वाला जो अमाउंट है वो अमाउंटर में चला जाएगा 10 5 payable, 2, क्या एंट्री होगी टेन परसेंट डिवेंचर फाइव डेबिट इंटरेस्ट पेबल वन लाख डेबिटी सिक्स लाख करंट बोलेगी डिचर के बदले शेयर दे दो क्या एंट्री होगी टू शेयर कैपिटल समझ में आएगी नहीं बस आपको क्वेश्चन जब आएगा तो उस क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग एग्रीमेंट हुआ है बस उस एग्रीमेंट जो भी हुआ है उसका इफेक्ट आपको जनरल एंट्री में करना है या तो आपको फायदा हो रहा होगा या तो आपको नुकसान हो रहा होगा बोलो बेटा हाँ यहां मैंने जो दो एग्जाम्पल दिए इन दो एग्जाम्पल्स में हमें गेन हो रहा था कि नुकसान हो रहा था बोलिए गेन हो रहा था इस गेन को क्या बोलेंगे इस गेन को हम यहां बोलेंगे गेन को हम बुक करेंगे एक स्पेशल अकाउंट में जिस स्पेशल अकाउंट का नाम होगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्या बोलेंगे अरे चैप्टर का नाम क्या है गेन को डाल देंगे कहां पर कभी कभार उस रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को बोला जाएगा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्या बोला जाएगा सर कैपिटल वर्ड क्यों क्योंकि जो ये गेन हो रहा है ये कैपिटल नेचर का गेन है ये क्या बिजनेस का प्रॉफिट लॉस है क्या क्या ये रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है क्या ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है कभी कभार इसको बोला जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या तीन मैंने नाम बोले कौन कौन से रिकंस्ट्रक्शन कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन कैपिटल रिडक्शन कुछ भी नाम ले लो कोई दिक्कत नहीं इंस्टीट्यूट आमतौर पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बोलता है क्या बोलता है समझ आ रहा है आप सबको जो भी गेन होगा उसको कहां क्रेडिट करोगे रिकंस्ट्रक्शन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में और अगर लॉस होगा तो इसी अकाउंट में डेबिट करोगे नहीं आया क्या समझ में हां तो पहली बात क्लियर हुई कि समझौता होता है लाइब्रेटी होल्डर्स के साथ हाँ वैसे ही टाइप का कुछ समझौता शेयर होल्डर्स के साथ भी हो सकता है हो सकता है कि नहीं हो सकता है शेयर होल्डर्स के साथ भी समझौता हो सकता है शेयर होल्डर्स के साथ किस टाइप का समझौता हो सकता है दस रुपए का इक्विटी शेयर है हाँ? मैं उसको रिड्यूस करके फाइव रुपीज का इक्विटी शेयर कर रहा हूं अरे मैं कैपिटल रिड्यूस कर रहा हूं मैंने तुम लोगों को टेन थाउजेंड शेयर इशू किए टेन रुपीज मैं कह रहा हूं यही टेन थाउजेंड शेयर पांच रुपए के हो गए आज के बाद तुम बोलोगे सर बाकी पांच रुपए खा गया वापस नहीं करूंगा नहीं आसन में तुमने मुझे कितने रुपए दिए एक शेयर पर तुमने मुझे एक शेयर पर कितने रुपए दिए दस रुपए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मैंने कितने किए टोटल शेयर रिमेनिंग फाइव खत्म फॉर गो भूल जाओ इसका मतलब क्या हुआ आपका कैपिटल मैंने रिड्यूस कर दिया कैपिटल रिड्यूस कर दिया एंट्री क्या होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट पचास हजार रिकंस्ट्रक्शन बोलो बेटा हाँ अगर इसको और फर्निशिंग एंट्री इसमें फूलमाला चढ़ा दिया जाए अच्छे से इसको बनाया जाए तो एंट्री क्या होगी एंट्री होगी कुछ ऐसी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में टेन रुपीज क्योंकि तो दस रुपए वाला कैपिटल चला गया ना वन मेरी, मेरी, मेरी बातों को सुन रहे हो इक्विटी शेयर कैपिटल टेन रुपीज डेबिट वन लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल फाइव रुपीज क्रेडिट पचास हजार नहीं आया सर में अरे दस रुपए का कैपिटल पूरा चला गया नौ रुपए का कैपिटल पांच रुपए का कैपिटल आ गया टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नहीं आया सर में तो इस टाइप के अलग अलग समझौते मैंने तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल दिए ऐसे बहुत सारे चीजें आने वाली हैं वन बाय वन वन बाय वन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी एग्जाम्पल समझ आ रहा है कि नहीं और इसके बाद कंपनी क्या करेगी कंपनी बोलेगी कि यार शेयर होल्डर्स के साथ समझौता हो गया के साथ समझौता हो गया हमें फायदे हुए हमारे बुक्स में जो असेट्स दिख रहे हैं जो भी एक लॉस मेकिंग कंपनी होती है ना याद रखना जो भी एक लॉस मेकिंग कंपनी होती है ना उनके असेट्स ओवर वैल्यूड होते क्या होते उनके असेट्स ना ओवर वैल्यूड असेट्स होते हैं उनके पास मतलब असेट्स बेतुकी वैल्यूज पे दिख रहे हैं फालतू वैल्यूज पर असेट्स दिख रहे हैं हमें असेट्स की को करना है। उसकी रियल वैल्यू पे लेके आना है अब मुझे बताओ जो मुझे अभी तक फायदा हुआ था गेन हुआ था ना मुझे कहां, -कहां से वो क्रेडिटर्स डिबेंचर्स शेयर होल्डर से तो मैंने उसको कहा क्रेडिट किया था कैपिटल रिडक्शन अकाउंट मान लो कहा क्रेडिट किया था अब मैं उस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को यूज कर रहा हूं अपनी असेट्स को रिवैल्यू करने में अच्छा मैं लॉस मेकिंग कंपनी हूं बोलो बेटा तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में लॉसेस दिख रहे होंगे लॉसेस का कौन सा बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस तो इसका मतलब मेरे एंड सरप्लस नेगेटिव दिख रहे होंगे हा मेरी कंपनी में वो एक तरीके से दाग हुआ ना गंदा दाग दिख रहा है ना बैलेंस शीट में दाग क्या हुआ नेगेटिव बैलेंस सरप्लस उस दाग को मुझे मिटाना है मैं उस दाग को मिटाना चाहता हूं कैसे मिटाऊं मैंने अभी इतने सारे समझौते किए उससे मुझे क्या मिला गेन मिला गेन से मिटा दो ना एंट्री क्या करूंगा

कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू सिंपल और अगर मान लो असेट की वैल्यू बढ़ानी है ऐसा कम होगा कई बार बढ़ानी तो, है तो असेट्स अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन उल्टा समझ आएगी नहीं क्लियर हुआ मैं आज आपको इस क्लास में अभी वाले सेशन में ज्यादा टेक्निकल चीजों पे नहीं ले जाने वाला हूं मैं ना आपको कुछ रीड करवाऊंगा और ना मैं आपको हाई लेवल की चीजें डिस्कस करूंगा मैं बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें डिस्कस करके आज छोड़ दूंगा और फिर अपन जब कल की क्लास में आएंगे नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो वहां से अपन थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स पे ज्यादा चलेंगे यहाँ टेक्निकल पॉइंट्स कौन सी है टेक्निकल पॉइंट्स हैं शेयर होल्डर्स के रिस्पेक्ट में जो वेव ऑफ होता है

ठीक है लिखिए एग्जाम्पल्स लिखिए एग्जाम्पल नंबर वन टेन परसेंट डिवेंचर्स आर शोन टेन परसेंट डिवेंचर्स आर शोन एट रुपीज टेन लैक्स rupees 10 lakhs 10% debentures are shown at rupees 10 lakhs along with 2 years arrears of uh, interest along with along with 2 years arrears of इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट हुआ इसपे हा टू दो साल का इंटरेस्ट कितना टू लैख डिबेंचर होल्डर्स आर अग्री डिवेंचर होल्डर्स आर अग्री टू वेव डिवेंचर होल्डर्स आर अग्री To wave off, debenture holders are agree to wave off 30 percent of their total outstanding dues. 30 percent of their total outstanding dues. अगेंस्ट अगेंस्ट इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स अगेंस्ट इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड पचास हजार इसका मतलब क्या हुआ वेरी गुड आप मुझे बताइए कौन से परसेंट डिबेंचर थे भाई टेन परसेंट डिबेंचर थे कितने के थे 10 इसके अलावा इनका इंटरेस्ट पेबल कितना है कितना टू लैक्स तो टोटल इनके ड्यूज कितने हुए आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग ड्यूज कितने हुए ट्वेल्व लैक्स आउटस्टैंडिंग ड्यूज का थर्ट परसेंट क्या हो रहा है वेव ऑफ दैट इज थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड और इसको वेव ऑफ करने के बदले में हम कितने के इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं फिफ्टी थाउजेंड तो आपको क्या लगता है क्या एंट्री पास होनी चाहिए यस एंट्री टेन परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टेन लैख नहीं होगा भाई थर्टी हो परसेंट ना माता बाकी सत्तर परसेंट तो रखा रहेगा ना तो दस लाख का थर्टी परसेंट और टू लाख का थर्टी परसेंट अलग अलग करेंगे ना भाई डिबेंचर को मैं कितने से रिवर्स करूंगा थ्री लाख रुपीज से मेरे बैलेंस शीट में डिबेंचर कितने के दिख रहे हैं टेन लैख से टेन लाख ,00 में से दिख रहे थर्टी परसेंट वेव ऑफ हो गए ये डिबेंचर्स आपकी बैलेंस शीट में कैसे दिख रहे होंगे सोचो यहां टेन परसेंट डिवेंचर दिख रहे होंगे टेन लाख के और यहां इंटरेस्ट पेबल दिख रहा होगा टू लाख का कितना वेव ऑफ हो रहा है दोनों का तीस तीस परसेंट तो क्या करेंगे हम टेन लाख ,00 का थर्टी परसेंट थ्री लैख और इंटरेस्ट पेबल सिक्सटी थाउजेंड और इसके बदले हम क्या कर रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू कर रहे हैं उन लोगों को और बाकी का वेरी गुड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट थ्री लैख टेन लिख लीजिए क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल दू एग्जांपल टू टेन परसेंट डिबेंचर्स टेन लैख इंटरेस्ट अक्रूड टू लैक्स debenture holders agree to waive 100% dues against taking over building उूज बुक वैल्यू इज एट लैख फिफ्टी थाउजेंड बुक वैल्यू इज एट लैख फिफ्टी थाउजेंड मार्केट वैल्यू फोर्टीन लैक्स उज बुक वैल्यू इज एट लैक फिफ्टी थाउजेंड मार्केट फोर्टी एंड प्रोवाइडिंग एंड दे विल पे एडिशनल कैश एट एट परसेंट इंटरेस्ट थाउजेंड फॉर फाइव पहले तो इसको इंटरप्रेट करो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि आपको सिर्फ अच्छे से समझना पड़ेगा इंटरप्रिटेशन अगर आपका गलत हो गया तो एंट्री गड़बड़ हो गई इस चैप्टर में आपका यही रिक्वायरमेंट है कि आपको इंटरप्रेट अच्छे से करना है आप पहले अच्छे से इंटरप्रेट करिए बताइए कर लिया इंटरप्रेट क्या समझ आ रहा है इन लोगों को हमें कितने देने बारह लाख तो बारह लाख के बारह लाख कह रहे छोड़ दिया हमने किसके बदले बिल्डिंग. बिल्डिंग के बदले बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू वैसे ही अच्छी है यार सही यार बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू बिल्डिंग ले जा रहे हैं पूरी वो हमारी बुक्स में वो कितने की दिख रही है बिल्डिंग आठ पचास मार्केट वैल्यू चौदह हो सकती है बुक्स में कितने की दिख रही है तो हम जब इसको बुक्स में से हटाएंगे तो एट फिफ्टी ही करेंगे मार्केट वैल्यू से हमें अकाउंटिंग से कोई मतलब नहीं है ठीक है और क्या हो रहा है वो लोग हमें एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं कोई बिल्डिंग के बदले नहीं ब्याज पे लोन दे रहे हैं ध्यान से पढ़ो इस पॉइंट को दे विल पे एडिशनल कैश एट एट परसेंट इंटरेस्ट ऑफ रुपीस 154 अरे वो लोग उल्टा लोन दे रहे हैं हमें और नहीं है सर हाँ कह सकता हूं कि पुराने डेवेंचर 10 परसेंट गए और नए डेवेंचर 8 परसेंट वाले आ गए हाँ बताओ एंट्री क्या होगी क्या हो गया डाउट है पूछ पूछ दे विल पे दे डिवेंचर होल्डर्स स्टार्टिंग कहां से हुआ था डिवेंचर इतने हैं तो, दे विल पे नहीं दे विल पे दे विल पे डिवेंचर होल्डर हमें पे कर रहे हैं हाँ बोलो टेन परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टेन लाख इंटरेस्ट पेबल टू लाख थोड़ी छोड़ जगह छोड़कर जगह इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि पैसा भी आ रहा है पैसा भी आ रहा है हा? इसी में कर देना तो क्या हुआ हम बच्चे बड़े हो चुके हैं हम जब तक खतरों के खिलाड़ी नहीं बनेंगे तो क्यों मतलब हम क्या अभी भी हम क्यों? क्यों अलग अलग एंट्री करो ना सीखो ना नहीं सीखोगे तो तब तक क्या मजा टू एट लैख फिफ्टी थाउजेंड बैंक से पैसा कितना आया एक फिफ्टी टू नए डिवेंचर होंगे कि नहीं होंगे एट परसेंट डिवेंचर्स बोलो एट परसेंट लोन बोलो वॉट एवर वन फिफ्टी बोलो डिफरेंस साढ़े तीन लाख क्या होगा टू कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दे विल पे लिखा है मतलब वो लोग हमें पे करेंगे पांच साल के लिए ठीक है क्लियर है बेटा Next example Twelve percent preference shareholders of rupees eight lakhs. 12% परसेंट प्रेफरेंशियल होल्डर्स ऑफ रुपीज एट लैक्स आर ऑफ डिविडेंड ऑफ थ्री इयर्स, बट नॉट शोन इन बैलेंस शीट इसका मतलब Pay करना है, पर मैंने उसकी आज तक एंट्री पास नहीं की है मैंने आज तक देना है, पर मैंने उसको को आज तक अपनी balance sheet में नहीं दिखाया, मतलब entry मैंने आज तक पास। अगर की होती, तो एंट्री उस टाइम पे की होती account debit to payable. पर आज तक मैंने की entry की नहीं है टू फॉर गो इंटायर डिविडेंड बस बोलो क्या होगी एंट्री क्या होगा

पेबल एंट्री पेबल की एंट्री पास करने के लिए पेंडल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा बोल टू डिविडेंड पेबल करना पड़ेगा कितना हुआ टू एटी एट फिर दूसरी एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना टू एटी एट बोल भाई वैसे ही मैं लॉस मेकिंग कंपनी हूं ये चैप्टर पर लॉस मेकिंग कंपनी से मैंने प, मैं मैंने पेंडल और डेबिट करे तो मेरा पेंडल और नेगेटिव हो गया अरे दाग आ गया ना और तो बड़ा दाग पहले छोटा था अब और मोटा दाग हो गया हैं और उतने से मैं दाग साफ भी कर दूंगा तो ये जब यही करना है तो एंट्री क्यों कर रहे हैं एंट्री ही क्यों कर रहे हैं एंट्री क्यों कर रहे हैं तो वो डिस्कलोजर करके बता देना जरा थोड़ी एंट्री करके तूने डेवरेंट की तो एंट्री की नहीं तब तो क्यों बता तब क्यों नहीं बताया तो पहले वो तू पहले नहीं था नो एंट्री हु, no ऐसी चीज की कोई एंट्री होती नहीं है सिंपल हाँ ठीक है डिस्क्लोजर में जरूर आ जाएगा वो स्कीम में आ जाएगा जरूर बट इसकी कोई एंट्री नहीं होगी जनरल एंट्री में हम लिखेंगे नो no एंट्री <laughs> अरे नो no एंट्री लिख देंगे ना भाई लिखा तो फॉर गो ऑफ एंटर डिफरेंट रीजन क्या लिखेगा नोट आप ये लिख सकते हो ना कि सिंस द डिविडेंड इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट नो एंट्री विल बी पास ठीक है एग्जाम्पल फोर टेक अबव एग्जाम्पल थ्री but now preferential holders agree to waive off entire arrears against against issue of equity shares टू दैम ऑफ सेम वैल्यू अब इसका मतलब बताओ थ्री में क्या था अरियर्स को वेव ऑफ कर दिया पर कोई एंट्री नहीं थी भाई डिविडेंड मतलब डिविडेंड का मतलब आरियर ही हुआ ना आरियर अलग होता है क्या कुछ मैं बोल रहा हूँ अरियर ऑफ डिविडेंड लिखा है तो डिविडेंड बोलो या आरियर बोलो इट इज वन द सेम थिंग पहले तो मुझे पहले आपको पहले टर्मिनोलॉजी क्लियर करनी पड़ेगी नहीं तो बाद में क्या उलझ जाओगे तो वहीं ठहर जाओगे अरियर्स ऑफ डिविडेंड को मैं अरियर्स बोल रहा हूँ थर्ड वाले एग्जाम्पल में वो क्या बोल रहा है एंट्री नहीं है क्योंकि वो तो डिविडेंड शो नहीं हो रहा था यहां वो क्या बोल रहा है हम डिविडेंड भूलने को तैयार है सेम वैल्यू के इक्विटी शेयर इशू कर दो क्या एंट्री होगी डिविडेंड अरियर वेव ऑफ की तो ये एंट्री होगी नहीं क्योंकि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो दिख नहीं रहा है। पर उनको इक्विटी शेयर तो इश्यू करेंगे ना एंट्री क्या होगी उनको हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे कितने के टू शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल बोलो कितने डेबिट क्या होगा बैंक तो हो नहीं सकता क्या होगा कैपिटल रिडक्शन मतलब उल्टा नुकसान ही हुआ नुकसान मतलब अरियर वेव हो गया पर हमने रिडक्शन यहां पर डेबिट कर दिया समझ आया Clear हुआ? Hmm? Narration मैं आपको हर एक पॉइंट पे अलग अलग समझाते जाऊंगा जब मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा डोंट वरी ये सब रिपीट होंगे ये सब रिपीट होंगे देखिए मैं अब आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं अब आपको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के कुछ कुछ पॉइंटर्स दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन में पॉइंटर्स रहते हैं क्वेश्चन के कौन कौन से पॉइंटर्स रहते हैं ये देखो ये वाला पॉइंट पढ़ो ये वाला पॉइंट पढ़ो डिवेंचर होल्डर्स अग्री टू टेक ओवर प्री होल्ड प्रॉपर्टी जिसकी बुक वैल्यू वन लाख एट अ वैल्यूएशन ऑफ वन ट्वेंटी इन द पार्ट रिपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग एंड टू प्रोवाइड एडिशनल वन थर्टी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनीज एसेट्स एट एन इंटरेस्ट ऑफ एट चलिए आप समझिए बस मतलब समझना है आपको अगर आपके पास बुक होगी तो आप डायरेक्ट बुक से भी पढ़ सकते हो कौन से पेज पर है ये पेज नंबर सेम वैसा ही है अब आप सबसे पहले क्या करोगे आप जाओगे इसकी बैलेंस शीट पर जाइए बैलेंस शीट में आपको डिवेंचर्स के रिगार्डिंग क्या क्या दिख रहा है और उसके नीचे उसका इंटरेस्ट टोटल कितने के दिख रहे हैं थ्री नाइन्टी सेवन फाइव हंड्रेड के आपको डिवेंचर दिख रहे हैं क्या ये पूरे खत्म हो रहे हैं नहीं 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 ये पूरे खत्म नहीं हो गए तो कितने खत्म हो गए गुड बेटा ये लोग बिल्डिंग ले जा रहे हैं कितने में ले जा रहे हैं जाके पढ़िए क्वेश्चन को जाके पढ़िए ये लोग बिल्डिंग ले जा रहे हैं कितने में ले जा रहे हैं डिवेंचर होल्डर्स अग्रीड टू तो टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जिसकी बुक वैल्यू वन लाख है एट अ वैल्यूशन ऑफ एक बीस में वो बिल्डिंग ले जा रहे हैं इन अ पार्ट रीपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग उनकी टोटल होल्डिंग कितनी है थ्री नाइनटी जबकि पार्शियल रीपेमेंट वो बोल रहा है कि ठीक है एक बीस की बिल्डिंग दे दो खत्म बाकी का पड़ा रहेगा बोलो ना बाकी का अच्छा एंड के बाद अब पूरी बात एक और नई बात आ गई एंड एंड से लेकर क्या बोल रहे हैं पूरा पूरा पढ़ो पूरा पूरा फिर वो पूछ, पूछोगे कि हमने दिया कि उन्होंने दिया तो इसलिए पहले पढ़ लो पूरा एडिशनली वो हमें एक तीस और दे रहे हैं ब्याज पे कितने ब्याज पे वो हमें दे रहे हैं उल्टा हम उनसे और लोन ले रहे हैं समझाया कि नहीं क्लियर हुआ आप मुझे बताओ कि क्या करोगे एंट्री बताओ सबसे याद रखना पूरा पूरा मतलब 120 के वो बिल्डिंग ले जा मतलब बिल्डिंग की बुक वैल्यू 1 लाख है कितने वैल्यूएशन में ले जा रहे हैं मतलब मेरे एक लाख बीस हजार के ड्यूज खत्म हो रहे हैं हा? मेरे एक लाख बीस हजार के ड्यूज खत्म हो रहे हैं ना अंडरस्टूड और नॉट ठीक है एंट्री बोलो अच्छा एक सेकेंड इसके लिए एक काम करते हैं और एक काम करते हैं छोटा सा रुक जाओ ऊपर थर्ड पॉइंट पढ़ लो पहले इंटरेस्ट को तो साइड ही रख दो अब छोड़ दो अब बस अब आपके एक बीस से सिर्फ क्या खत्म हो रहा है थ्री सेवेंटी फाइव वाला एक बीस खत्म हो रहा है अब तो आसान हो गया चलो अब बोलो सिक्स परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट वन ट्वेंटी सिक्स परसेंट डिवेंचर वन ट्वेंटी हाँ बोलो और अच्छा बैंक से पैसा आ रहा है वन और बिल्डिंग जा रही है कितने की वन लाख की बिल्डिंग जा रही है नया एट परसेंट का डिवेंचर आया वन थर्टी बाकी डिफरेंस टू कैपिटल रिडक्शन कितना ट्वेंटी थाउजेंड वो जो थर्ड एंट्री है अक्रूड इंटरेस्ट पे कर रहा है उसकी उसको क्या करोगे क्या एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू तो कैश बोलो रही सिंपल कोई प्रॉब्लम अब बताओ ये होने के बाद बैलेंस शीट में डिवेंचर कितने के दिखेंगे बैलेंस शीट में क्या क्या पिक्चर दिखेगी ये होने के बाद अक्रूड इंटरेस्ट नहीं दिखेगा और ये दिखेंगे क्या नहीं सिक्स परसेंट वाले कितने दिखेंगे अच्छा टू लैख फिफ्टी फाइव और अलग से एट परसेंट वाले डिवेंचर दिखेंगे वन लैख थर्टी थाउजेंड क्लियर हुआ कि नहीं yes, और इंटरेस्ट तो हट गया समझा कि नहीं वो आपसे कहेगा कि जर्नल एंट्री करने के बाद बैलेंस शीट को रिवाइज बनाओ समझा हाँ yes, कुछ पूछ रहे थे आप हाँ yes, बिल्डिंग का भी रहेगा बिल्कुल सही बोल रहे हो बिल्डिंग यहां से हट जाएगी फ्री ऑल प्रॉपर्टी यहां से वन लैख से हट जाएगी बोलो बेटा yes. आया समझ में कि नहीं वन लाख से हट जाएगी थ्री ट्वेंटी फाइव समझा कि नहीं इस पॉइंट पे आओ टेंथ नंबर पॉइंट डायरेक्टर्स टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ तो देयर लोन देयर लोन पहले जाके बैलेंस शीट में देखो उनका लोन है क्या बैलेंस शीट में देखो देखो कोई लोन है क्या डायरेक्टर्स का डायरेक्टर का बैलेंस शीट में कोई लोन है क्या घड़ो कितना वन लोन है वन लाख का लोन है वो क्या बोल रहे हैं सेटलमेंट ऑफ देयर लोन एस टू नाइनटी परसेंट देयर ऑफ बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज दो रुपए का इक्विटी शेयर इशू करेंगे उसके बदले एंड एस टू फाइव परसेंट मतलब और बैलेंस फाइव परसेंट वेवड मत क्या के, क्या कर रहे हैं ये लोग टोटल लोन में से पांच परसेंट नहीं लेंगे तुमसे पांच परसेंट तुम कैश दे दो बाकी नब्बे बोलो लोन का है लोन पहले लोन ढूंढे लोन ढूंढे लोन ढूंढे वन लाख चलो एंट्री बोलो इक्विटी शेयर कैपिटल हा हा कर दे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर दे लोन खत्म हो रहा है ना क्या एंट्री होगी डायरेक्टर लोन जो है डेबिट हो जाएगा एक लाख रुपए पूरा पूरा yes. उसमें से क्या क्या हुआ नाइनटी <laughs> परसेंट के तो इक्विटी शेयर हो गए तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल नाइनटी थाउजेंड इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने नंबर ऑफ शेयर्स बोलो फोर्टी फाइव थाउजेंड नंबर भी तो आ गए हाँ टू कैश या बैंक वॉट एवर टू कैपिटल रिडक्शन सिंपल बोले बेटा क्लियर हुआ इजी है हा एक नंबर अच्छा एक नंबर ढूंढना है ना अच्छा मजे लगा तुम बोल रहे हो सर एक नंबर बता दो हाँ मैं ये भी वैसे समझा कि सर वो बोल रहा है एक नंबर वो तारीफ कर रहा है मुझे लगा तूने तो बेइज्जती करी नहीं सर वो कुछ नहीं है मैं उसको बता रहा हूँ आप रुक जाओ ये हाँ हाँ बिल्कुल आ जाओ फोर पॉइंट नंबर पॉइंट पेपर पेज नंबर फोर पॉइंट उसमें पॉइंट नंबर फोर्थ दिख रहा है हाँ बताओ क्या लिखा है क्या होगा 20 लाख ,00 ,00 से डेबिट होगा कंपनी ओवर 40% 40% कितना हो रहा है 8 लाख ही इज अलॉटेड 30000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹40 इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम अब इंटरप्रिटेशन क्या आ रहा है इंटरप्रिटेशन यहां पर दो निकल सकते हैं पहला कि जो 20 लाख के क्रेडिटर्स हैं उसमें से 40% परसेंट फॉरगो हो रहा है मतलब 8 लाख और जो फॉरगो हो रहा है आठ लाख उसी के बदले में शेयर दे रहा हूं पहला इंटरप्रिटेशन ये निकल सकता है दूसरा कि नहीं 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 ट्वेंटी में से फोर्टी परसेंट तो फॉरगो हो रहा है बाकी सिक्सटी परसेंट के लिए इक्विटी शेयर दे रहे हैं क्या हो रहा है 60 के में मिला और फोर्टी परसेंट तो हमारा फायदा हो गया ऐसा वाला एक इंटरप्रिटेशन आ रहा है और दूसरा इंटरप्रिटेशन की जो फोर्टी परसेंट माफ हुआ है उसी के बदले शेयर मिला है हम जब पढ़ेंगे ना वो लास्ट में लिख रहा है फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ इस क्लेम तो सिक्सटी परसेंट के बदले इक्विटी शेयर मिल रहे हैं ठीक है और फोर्टी परसेंट तो माफ हो रहा है एंट्री क्या करोगे जाएंगे तो पूरे बीस लाख के फिर तो क्रेडिटर ट्वेंटी लाख पूरा पूरा गया डेबिट तो टू शेयर कैपिटल बारह लाख टू तो कैपिटल रिडक्शन एट लाख आठ लाख क्लियर बहुत बढ़िया यार शानदार एक और एक और सर्कल किया है जल्दी बोलो द टैक्सेशन लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी सेटल डेट वन फिफ्टी देखना तो बैलेंस शीट में वो लाइबिलिटी है क्या हाँ कितना पर सेटल कर रहा है वन फिफ्टी में क्या एंट्री करेगा एक सेकेंड इसको पहले डाउट क्लियर कर दें तू बोल जल्दी पहले यार उसकी भाई इनकम टैक्स वाले ने नोटिस भेज दिया ज्यादा पैसा आ रहा है ज्यादा ड्यूज निकल रहे हैं कंपनी के ठीक है जल्दी बोलो 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 वन लाख का टैक्स डेबिट करके कैपिटल रिडक्शन डेबिट पचास हजार टू बैंक मतलब एक लाख की लाइब्रेड को एक में सेटल किया पचास हजार का बल्कि नुकसान ही हुआ ना वो रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था सेटल कर दिया आप कैपिटल रिडक्शन में डेबिट हो जाएगा नहीं आएगा समझ में प्रोविजन फॉर टैक्स वन lakh टू बैंक टू फिफ्टी किसको करेगी डेबिट तो फिर आया तो झूठ क्यों बोलती है क्लियर <laughs> ये बोलो ये बोलो 90 रीवैल्यू 90 करंट एसेट दिख कितने गिरे दो करोड़ के करंट एसेट को वो रीवैल्यू कर रहा है 90 में वैल्यू गिर रही है वैल्यू बढ़ रही है ओवर वैल्यू है हमारा कैपिटल करंट असेट एंट्री क्या करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू करंट असेट वन करोड़ टेन लैक्स हाँ क्लियर हाँ ये लास्ट फॉर गो वे तीस परसेंट ऑफ देर कैपिटल इन एक्सचेंज फॉर अलॉटमेंट ऑफ इलेवन परसेंट डिवेंचर टू देस हैं कितने के छह लाख के हैं वन एटी क्या एंट्री करोगे प्रेफरेंसर्स कितने के हैं आठ परसेंट के हैं 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 11% वेंचर्स इसमें कोई कैपिटल रिडक्शन आएगा ही नहीं क्यों नहीं आएगा कोई फायदा हो ही नहीं रहा है फायदा नुकसान नहीं हो रहा समझ आया बस यहीं तक थी अपनी कहानी चैप्टर शुरू किया है हमने समझ आया आपको चैप्टर हाँ अभी मैंने आपको एक सिर्फ फ्लेवर दिया वो मेरे सुन लो वे गरीब की सुन लो मैंने आपको एक सिर्फ फ्लेवर दिया इस चैप्टर का कि ये चैप्टर कैसे होने वाला है तू अलग से तू वाले की फिर की सर मेरे को बताओ मेरे को डाउट हुआ आपने क्या बोला हाँ तो मैंने अभी आपको एक फ्लेवर दिया इस चैप्टर का ऑल अभी आपको ये आसान लगा होगा ठीक है ना और ये आसान है भी पर

तो कल छुट्टी है मेरी क्लास की छुट्टी है ठीक है ना ऑडिट का क्लास आपका है आप ऑडिट के क्लास में बोल सकते हो टीचर को कि उनका आप कल ज्यादा वगैरह लेना चाहे तो ले लेना हा? हाँ पर तीन तारीख को मैं ज्यादा दूंगा तीन तारीख को मैं ज्यादा लूंगा वो अभी अच्छा बात नहीं हुई क्या तुम लोगों की सर से देखे। 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 मैं भी वही बोल रहा हूँ बेटा मैं कंटिन्यूशन की बात कर रहा हूँ ठीक है मैं रवि सर से एक बार बात कर लूंगा और हमारी क्लास परसों होगी अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लास परसों होगी तो यूट्यूब पे अब नहीं होगी कैमरा में देख रहा हूँ तुमको तो भी आना है ऑब्वियसली <laughs> कैमरा से ही बात करूंगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लास परसों होगी यूट्यूब पे नहीं होगी किस पे होगी सॉफ्टवेयर पे होगी सॉफ्टवेयर पे लाइव स्ट्रीमिंग होगी अगर मुझे लगा कि यार लाइव स्ट्रीमिंग फर्स्ट पहला पहला लाइव स्ट्रीमिंग गड़बड़ हो सकता है तो साइमल्टेनियसली यूट्यूब पे चला सकता हूं वो भी एक दिन के लिए पर अब सॉफ्टवेयर स्ट्र, स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर पे भी चलेगी क्लास एक दिन है ना एक परसों से और परसों अपन अभी फिलहाल मैं बता देता हूँ परसों अपनी क्लास का टाइम क्या रहेगा अमित सर की क्लास कितने बजे होती है? वो जान के सर बन लेट आओ ना अमित सर की क्लास वन थर्टी से होती है मैं लूंगा दो बजे ठीक है ना तुम्हारा बीच में ब्रेक तो लेना और ज्यादा ठीक है तो दो बजे अपनी क्लास होगी दो से नीचे शाम को आठ बजे तक दो क्लासेस दो क्लासेस ना यार सीधा सीधा हाँ <laughs> 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 चलो बाय बाय <laughs>